हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। बहुत वेट करवा दिया आप लोग को, लेकिन बस आपका इंतजार खत्म हो गया है। ये रहा वर्ल्ड कप महासंग्राम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। भाई साहब, जितना लेट करवाया, जितना आपने सबर करा, उसका फल मीठा मिलने वाला है आपको। बस जल्दी से बता दीजिए कौन कौन आ गए हैं, सेंचुरी पड़ी कि नहीं पड़ी भाई वर्ल्ड कप की? क्या बात है, मुझे मालूम था सर लेट हो गए। हेमंत सर आ जाओ जल्दी। भाई तुम जानते नहीं क्या उनको? हेमंत सर से आप बोल रहे हो जल्दी आ जाओ है। चलिए सब आ गए। क्या हालचाल है आप लोग? क्या जल्दी बताइए क्या हालचाल है। मैम सर अब आ भी जाओ ना। अरे आ भी गए यार, सोनम रानी जी आ गए। प्रतीक सर और हेमंत सर को क्या मैम को बोलो जल्दी वहां से हटाओ। भरत आ। अरे भाई पीसीबी में बायो पढ़ाएगा तू, क्या बात कर रहा है सर? अरे ओ बस इतनी तारीफ नहीं भाई। चलिए जल्दी आ जाइए भाई। क्या हालचाल है आप लोग यार? गुड आफ्टरनून कामिनी जी, गुड आफ्टरनून। जल्दी चले भाई, बुला ले क्या सबको? अब क्या बोलते हो जल्दी बताओ। अच्छा ऑडियो वीडियो क्लियर है अगर, और अगर चाहते हो कि बुला लिया जाए सबको तो जल्दी थम्स अप दे दो। और किसको बुलाएं पहले ये बताओ यार। गुड आफ्टरनून, बहुत गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी भाई, किसको बुलाया जाए जल्दी बताओ। जो जनता की फरमाइश होगी उसको बुला लिया जाएगा, जैसा आप लोग कहेंगे, ठीक है? अब देख लो भाई, सबसे पहले मैं आके जम गया हूं। बुरा हाल है आप लोगों के बिना सर जी। कौशल्या जी सेम हियर, ठीक है? बट वो तो क्या है कि अभी रिकॉर्डेड पे जान लगा रहे हैं पूरी, तो आप लोग से भी यही उम्मीद है कि रिकॉर्डेड पे जान लगा दीजिए। आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। जल्दी। अच्छा हेमंत सर को बुला लिया जाए। कोई भी हमारे बोर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ जी चले। अरे उनकी आदत ही पुरानी है भाई, पुराने लोग हैबिट पुरानी, लेट आते रहते हैं। लेकिन भाई मैंने कभी भी टाइम मिस नहीं करा है। देख लो तुम सबसे पहले कौन आया। बेटा रुक जाओ। क्या बोल रहे हो सर? कौन लेट नहीं आता? ये लेट होता है। आ जाइए, देखिए कैसे लोग हैं। वो तो हमने बोला कि कल अच्छे हैं, हमने बोला ये दो लोग कल दिख चुके हैं, हमने कहा आप आ जाओ भाई, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बच्चों को नया फेस मिलेगा। मैं आ चुका हूं पहले से। बेइज्जती भाई, छी यार भैया, ये इनका टैगलाइन छी यार। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अच्छा सर वैसे एक कमेंट आ रहा था, सर मैम आप लोग लेट क्यों हो रहे हो, सब मिलके मेकअप कर रहे हो क्या यार? मतलब नहीं, मैम तो कर रही थी और मैं क्या थोड़ा सा लेट आया था, यही रीजन था बस। हाँ। बाकी कोई दिक्कत की बात मैं नहीं। मैं तो लाइव संभाल रहा था यार पहले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं और हमारे कैमरामैन लाइव संभाल रहे हैं। कब से आएंगे बेटा? बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। अभी आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर पे फोकस करिए आप सभी लोग। हेलो सर, मैम गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून। देख रहे हो भाई, गुड आफ्टरनून। क्यूट हेमंत सर। हां वही बात ही अलग है भाई। वो बोल कौन रहा है? हिमांशु हो गया बोल रहा है। हां कोई दिक्कत नहीं है। क्यूट है। अच्छा सबको बस यही लगता है लड़की बोले ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? बस क्यों? दिल की बात बार बार। मतलब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो सीबीएसई में जो टॉपिक कट हुआ है वो फिजिक्स का न्यू वीडियो में होता है। मैं पुराना वीडियो देखता हूँ भाई, सारे वीडियोस में जो भी टॉपिक कट भी हुआ है ना तो वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज वो कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है, ठीक है? तो रिकॉर्डेड में भी सारे जो कट वाले टॉपिक्स है वो पढ़ाए जाएंगे आपको, उसको लेकर के आप बेफिक्र रहिए। We are waiting for biology, मैम जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ओके भाई, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आज सबका संगम है, ठीक है? महासंग्राम है आज, सारा ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सभी स्टार्ट करते हैं। बोलो जय माता दी, है ना भाई? नवरात्रि ऐसे ही जय माता दी ABC करके कल हम लोग का ड्रॉ हो गया था। हाँ बात अलग थी भाई, कल तो भगवान की दुआ थी मेरे ऊपर भाई। हाँ जो लगा रहा था आप दमादम भाई, ऐसे तो लगाए थे डोला वाला, क्या क्या तो स्पेलिंग आ रही थी भाई। सर क्या हुआ? ऑप्शंस का तो मैं देख चुका हूं यार, ऑप्शंस में सारे मतलब बार-बार सर स्पेल करो भाई, हमें क्या पता यार। सिंपल था जो मेरे पास आया था ना जब मेरे भाई लाइव में, वो क्या स्पेलिंग थी यार, मतलब वो एक भाई डमडम फीवर। मैंने तो कहा यार हम तो फीवर ही जानते हैं। हां हमने कहा हाथ गर्म हो रहा है फीवर है, बात खत्म भाई, ये डमडम क्या होता है? और सर ने लॉजिक ये दिया कि डमडम खा के जो फीवर होता है वो डमडम। देख रहे हो भाई, अब सर ऐसे लॉजिक देंगे तो भाई हेमंत सर को बाबू की कसम। हाँ बस वो बाबू से मिलने में लेट हो गया मैं, है ना? बस तुम लोग चालू हो जाओ आज फिर। मैं हेमंत सर के दिक्कत के साथ, अरे आधे से ज्यादा अपने ही साइड है। सोनम रानी, प्रणय, बायोलॉजी विल विन। अब देखते हैं यार क्या होता है। ये एक तो सारे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के साथ एक साथ पंगा हो गया है, ठीक है? अपन ने प्रतीक सर को तो अपन ने उलझा दिया था अपने बायोलॉजी के टर्म में। भाई आउट ऑफ कर्सी कहते हैं। मैं हारा भी नहीं था पर मैंने क्या माना, ठीक है? मैंने बात भी नहीं सुननी है। देखो आईफोन 14 ले लिया अरे भाई ये लेकर मतलब भारत का जो कमेंट आया था वो मैंने रीड कर लिया, स्टार मार्क भी कर लिया। अच्छा वैसे कल भी कुछ एक दो कमेंट ऐसे आए थे जो रीड नहीं करने थे पर हमने कर दिए थे, बट ठीक है मैं तो केमिस्ट्री जीतेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कोई दिक्कत नहीं है। चालू करें क्या? अच्छा भरत मैम को बता रहा है क्या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज बेस्ट? हां वो मुझे बता रहा है, मैम को पता है, ये बात नहीं बताओ उनको पता है एकदम, वो पहले बोल चुकी हैं, वो भी बोल रही थी आज। भाई लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें आप? मैम सुनिए ना, बोलिए सोनम रानी, मुझे पता है आप मेरे साइड हो, बता दो जल्दी क्या कह रही हो। सोनम रानी तो अपने साइड थी। मैं भी आपके साथ वो क्या ऐसे कल से उसने वो समझ रहे हो बदल लिया, वो पढ़ने जाती है, मैं आ गया ना। सोनम रानी जब किसके साइड है आप यार? अरे वो आप टेंशन मत लो, आपकी क्लास में आती है ना वो अपने साइड हो जाती है। रानियों की हमारी तिकड़ी बन चुकी है, सोनम रानी, सुप्रिया रानी और मुस्कान रानी। अच्छा तो सुप्रिया रानी भी आपके साइड है, बुलाओ तो जरा सुप्रिया रानी को, बात करते जरा। नहीं यार तो भरोसा नहीं हो रहा। हाँ मेरे को नहीं होता, दोगले लोग हैं भाई, ऐसे पलट जाते हैं ना। चले तो चालू करें। पहला क्वेश्चन किसका आ रहा है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप ही जीतोगे मैम, नो टेंशन। कौन बोल रहा है भाई? टेंशन तो वही तो टेंशन है मैम को, वही तो टेंशन है। चलिए हेल्प मत करना। हाँ बस ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मेरा आएगा। भाई देखो रूल यही है, कह रहा है मैम आप दोनों सर से कह दीजिए बायोलॉजी जीतने वाला है। कौन बोल रहा है ऐसा? प्रणय कह रहा है। प्रणय भाई आप फिजिक्स पढ़ते नहीं, मतलब पढ़ते हैं। मुझे पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम समझ गए भाई, जीत जाएंगे मैडम। ठीक है बहुत बड़ी, करें स्टार्ट करें अब। रेडी? आ जाओ पहला क्वेश्चन लेकर के भाई, स्टार्ट करते हैं। मैं तो प्रतीक सर और हेमंत सर के साइड से। अरे तू तो है ही भाई, तू तो भाई आज वाला जो सीन है सर, आज वाला सीन भी वही कल वाला जो था वैसा है। एक सेकंड सर, फोन भी रखना है और आज के क्वेश्चंस भी किस तरह से कब क्या मिक्स कर दिया गया है हमने तो अपने प्रोवाइड किया। हम लोग तो यहीं पर बैठे थे, मैडम उधर वाले थिएटर में थी, वो इधर बगल वाले में रिकॉर्डिंग रूम में, तो अब आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। थिएटर दिमाग में चल रहा है। नहीं आज मूवी का नहीं है, लेट होने का रीजन आज मूवी का कोई प्लान नहीं, आज मैच है आपको पता है, आज मैच है। चलिए चालू करते हैं। रेडी? आ जाओ भाई इस तरफ आ जाओ। आज ही सोनम रानी अपन केमिस्ट्री वाले सर ही जीतेंगे, मैम टेंशन मत लो, सारी टेंशन मैम को दे रहे हैं। प्रतीक सर ऑल द बेस्ट। जय फिजिक्स भाई, जय फिजिक्स। पायल जायसवाल यही थी ना मैम, यही थी आपके साइड से? हां कल आप जय फिजिक्स कल भी थी ना पायल भाई, गलत बदल गई थी, पहले उधर फिर कहती अरे सर आपके साइड ही हो, मैंने कहा ठीक पर ये मेरे साइड आ गई। कुछ तो ऐसे भी थे सर कि जो जीतेगा उसके साइड। हां और कोई जीता ही नहीं, चलिए रेडी करें भाई, रेडी करें। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन करें क्या? मैं करता हूं। अंशिका आ गई, क्या बात है, अंशिका आ गई, मेरा लकी चार्म आ गया, बस बात खत्म। चले भाई पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही एकदम क्लासी फेस। फोन रख रहा है ना, फोन रख दो भाई, फोन रख रहा है ईमानदारी से, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं। शर्मा जी किधर है भाई? शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी का बेटा आया होगा आज, आप देखिए शर्मा जी का बेटा। हां अच्छा वो खुद ही शर्मा जी ना, वो बिल्कुल इधर आ जाओ भाई। क्वेश्चन आ गया पहला वाला, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या? हाँ हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे ना सर, मैं आपकी हेल्प कर सकता था ऐसे। अच्छा ठीक है आंसर में बता दो, आराम से देख लो पहला क्वेश्चन, उसके बाद में आता है। ये बताओ 1 2 3 4 क्या? 1 2 3 4 क्या होता है भाई? दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। अच्छा दिमाग लगाना है। केमिस्ट्री में क्या ऐसा ऐसे हो जाएगा क्या? कैसा भाई सिंपल ठीक है अभी इनने अब चालू कर ही दिया है मैटर, है ना? अब बेटा आएगा अभी, केमिस्ट्री का भी आएगा। चलो दिमाग भी नहीं लगवाऊंगी मैं, तो बस ये बोलूंगी रीड कर दो। हाँ रीड कर बहुत तो भाई में जो होता है भाई खत्म। चलो हाँ पेन वेन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं उसमें फिर सॉल्व करने की। चलो भाई प्लेन मिरर वाला क्वेश्चन है भाई, देख लो उसको अच्छे से। मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस बनवाना पड़ेगा किसी दिन, बहुत ये लोग सॉल्व करने पे आ रहे हैं। कल पता है कैलकुलेशन आ गया बायो में मेरे में। अच्छा मैडम तो छोड़ी दी, कहती है यार ABCD ले लो। मैंने तो सर 2 क्वेश्चन एक साथ तुक्के लगा दिए थे कि अगले वाले का B ले लो, इसका A ले लो। तो ये कब तुक्का होता है? नहीं सही हुआ, ये तुक्का कब होता है जब याद क्या होता है A B ऐसा वाला था। अब्बा जब्बा डब्बा। चलो भैया, अ पर्सन इज स्टैंडिंग 100 सेंटीमीटर। सर ये राज है, सुप्रिया पटेल, थैंक्स अ लॉट, हाय माय फेवरेट सर। और ये राज की इमेज है, फोटो है। ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। चलिए प्लेन मिरर तो है, ठीक है नॉर्मल मिरर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा प्रतीक होता है बाकी में कॉन्वेक्स में भी दिक्कत हो सकती है। सर हर लेक्चर के बाद देखते हैं। ठीक है सही बात है, ठीक है। If he approaches the mirror at a speed of 2 centimeter per second, इतना धीरे, then find. मैम वो मिरर घर में है, भाग के जाएगा क्या? मिरर घर में है। सर कमेंट्री कर रहे हैं, मैडम को लेके चलती है ना ऐसे करके, और कार चल रही है कहती है मिरर तेज चल रहा है। अरे चलो रेडी, जल्दी गए। ऐसा होता है। ठीक है, then find the distance between the object and the image after 10 seconds. बाकी लोग का आंसर आना शुरू हो गया सर। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और 10 सेकंड, बस कहने का मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन 10 सेकंड तक चल रहा है। 10 सेकंड घर लंबा है ना, बड़ा घर है। रुक जाओ। बाकी लोग कब तक आंसर दीजिए, जल्दी बताइए क्या लग रहा है आप लोग को। आप ही जीतेंगे, डी होगा मैम। सोनम रानी जी कंफ्यूज करने का पूरा ट्राई कर रही है आपको। सर आप कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, मैं टिक कर दूंगी। अरे मैम वो वैसा क्वेश्चन है 2 10s 20 वाला, तो वही तो मैंने बोला। अरे मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड है, मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म भाई। मैं 20 तो आपने ऑप्शन में एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 10s ही कर दीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई। 20 तो आपने, मैम ने 2 10s 20 कर दिया। अरे तो भाई ये 2 और 10 लिखा है ना, करो ना। ये पता है मैडम कभी-कभी क्या करती है, 2 + 2 22 भी होता है सही में। बायो में कह रही है, अच्छा बायो में भी होता है, बायो के ऑप्शंस में बायो में भी होता है 2 + 2 22। ओके जाओ इधर से। नहीं जाना नहीं है, खड़े होकर बेइज्जती कराना है, ऐसा थोड़ी होता है जाके कराना है। चलो कितना कराना है, 2 10 जा कराना ही नहीं, आप खेलो 2 10 जा। ये तो बताओ, हम नहीं खेल रहे सर, खेल रहे बस। सर 120 है भाई। एक सेकेंड यार बाकी लोग यार प्लीज आंसर दीजिए। बाकी लोग से एक्सपेक्टेशन है, इनसे तो नहीं है, इनसे भी अभी तो नहीं आ रही, थोड़ी मतलब कम आ रही है। अरे समझो ना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है ना, पर अपन तो पढ़ते हैं ना फिजिक्स भाई। बाकी लोग का आंसर क्या 120? रेडी, पक्का, डन, खत्म करें। मैंने तो पहले ही बोला था, पहले कहा था 20 बोला था, 120 कब बोला था? मेरा लॉजिक देखो आप, मस्त लॉजिक देखो। आपने मेरा एग्जांपल पकड़ लिया। देखो ये लिखा 1, ये लिखा 2 और ये लिखा 0, बन गया आंसर, बात खत्म। बायो में ऐसे जाता है, अब्बा जब्बा डब्बा सी, समझ गए ना आप कौन सा कैलकुलेशन है। नहीं हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे मैम, खत्म। भाई आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई पीयूष, क्या बात है, आ गया आंसर। अरे देखिए अब नहीं हो गया। मैंने 1 मिनट भाई लॉक नहीं किया, 2 मिनट तो रुक जाओ, मैंने अभी भी नहीं देखा, 2 मिनट रुक जाओ। फोन विशाल कह रहा है मैम सर लोग को कुछ बोलो, तो ये लोग इतना बोल रहे हैं। बोलूंगी बेटा, टाइम आने दो, बायो का क्वेश्चन आने दो, धागे एकदम। चलो रेडी, बहुत टफ कैलकुलेशन है मुझे पता है, बायोकेमिस्ट्री के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ है। अगर आपको लगे तो दे दिया आंसर। सुप्रिया जी बहुत जबरदस्त है हमें यार, आप बताइए आप कैसे। इससे क्या हुआ सर, हमारे जीवन में कोई फायदा हुआ इससे? 160 आएगा, 160 आएगा। क्यों आएगा भैया? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, दोनों के बीच की बात कर रहा है। क्या बात है 40 जाएगा 160, क्या बात है। अच्छा भाई आंसर आ गया, क्या बात है। रेडी, ले दो भाई, बहुत जबरदस्त है। सर लोग ऐसा भैया आंसर यार, क्या बात। बायो से तो आगे रहूंगा यार, इतने तो मेरे को भरोसा है। हेमंत सर भी मेरा फोन छुपा रहे थे ले जाके, आज प्रतीक सर मेरा फोन छुपा के आ गए। वो तो लॉजिकल है ना, सर सही था ना, क्यों सही था ना। 100 20 इधर 20 उधर गया है ना, सही था, बात देखा। मैडम चली गई, हमने तो 20 के जाने की बात करी, देख लीजिए ठीक है मैम। मैं बता रहा हूँ भाई, हुआ क्या, ये अपने पास ऑब्जेक्ट था ठीक है, बाकी लोग का आंसर आ गया है, बहुत थैंक यू। ये चिंपैंजी है क्या, इसका हेड साइज इतना बड़ा क्यों है? आपको आप नाम पे चले जाओ ना, आप सर छोटा कर दो। सिमरन होनी थी ना, अभी इवोल्यूशन पढ़ा है ना, आज की इमेज सिमरन कैसे बनेगी नहीं दिखता है ना। चलो हुआ क्या, यहाँ पे ये दूरियां थी 100 सेंटीमीटर के बराबर ठीक है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर की स्पीड है, 10 सेकंड तक भग रहा है। जब इसको आप करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो 20 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 2 1s 2 2 2s 4 2 10s 20 ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो बचा 80 सेंटीमीटर और इमेज क्या बनेगी, 80 सेंटीमीटर। अब 80 + 80 = 160। लेकिन पता है, एक मिनट वो लॉजिक अच्छा था, 2 × 10, तो क्या करना है, पहले 1 ले लेना है, फिर 2 ले लेना है, फिर 0 ले लेना है। ये तीनों तो आएंगे ही, ये तीनों तो आएंगे, बस उसको सही अरेंजमेंट में लगाना है। बहुत बढ़िया। अरे भरत यार 120 नहीं होगा यार, तेरे से गलती कैसे हो रही है भरत? अरे भरत भाई मैंने सिखाया ना, उसको भी मेरी तरह आपने नहीं पढ़ाया होगा। नहीं वो बायो वाला तो नहीं पूछना, एक बार पूछना बायो। चलो आगे बढ़ेंगे, देख तो ले भाई क्या है आंसर। हाँ बिल्कुल, 160 सेंटीमीटर इज द आंसर। पहले ही कर चुके थे, आप देख रहे हो कंट्रोल उनके साइड पे, ये हेमंत सर पहले ही कर चुके थे। भाई तुम लोग चेक करें ना एक बार ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कम से कम हेमंत सर ये तो नहीं करे थे, वही चल भी नहीं रहा, हैंग हो गया क्या लो, चल भी नहीं रहा। चलो एक सेकंड करें इसको, चल गया वो इनसे बोला जय माता दी, इनका लॉजिक देख के रुक गया था वो भी। भाई सुनील कुमार आपका नाम ले लिया है बिल्कुल। चलिए कौशल्या जी रेडी, अगला वाला क्वेश्चन आ जाए। भाई पहले वाले का आंसर इसका नहीं आया था। चलो भाई सुनील कुमार ले लिया। भाई फोन रख दो। केमिस्ट्री का है ना, मैं क्यों रखूं? केमिस्ट्री का है ना सर, मैं क्यों रखूं? नहीं केमिस्ट्री का सवाल है, सॉल्व तो अपन करेंगे ना मैम। आप कर रहे हो ना, मैम को क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा मैम करेंगे ना। मैम को समझ में नहीं, आप रखोगी तो रख देंगे। रखो ना, अब स्टार्ट करेंगे भाई। चलो भाई देख लो पानी। मैम एक बार आप सवाल देख लीजिए। क्या पानी पीने चले जाते हैं एक तो बार बार। लाओ पेन दो। लो पेन का मतलब क्या होना है लेकिन? अच्छा ठीक है। अरे ये तो कॉन्सेप्ट वाला है, ये तो कैलकुलेशन वाला है ही नहीं। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय, तो चेंज करवा सकते हैं क्या क्वेश्चन? कैटलिस्ट अपन को पता ही है, तोड़ने फोड़ने वाले। ये रिएक्शन रेट को कैसे इंक्रीज करते हैं? एंथैल्पी को डिक्रीज करके। कैटलिस्ट तोड़ते फोड़ते क्या? वो तो इंक्रीज मतलब रिएक्शन की रेट को इंक्रीज। वो तो आप रिएक्शन रेट की बात कर रहे हो। बायो में जो कैटलिस्ट होते हैं उनका काम होता है तोड़ना मॉलिक्यूल्स को। तोड़ना ये सवाल केमिस्ट्री का ही है ना, लॉजिक तो होगा मतलब। ठीक है, मॉलिक्यूल को तोड़ना मतलब कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय। अच्छा एक छोटी सी सवाल था मेरे, पूछ लो सर। एंथैल्पी का मतलब एक ये क्वेश्चन कम। एंथैल्पी को आप एनर्जी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी एंथैल्पी एक ही बात है, मान लो। यस मैम, आप कुछ तुक्का लगाना चाहेंगे? अपन एक काम करते हैं, अपन आपस में कर लेते हैं डिसाइड क्या लगता है। और थोड़ा मैं भी बता देता हूं, जो एक्टिवेशन एनर्जी एक तरीके से ये बैरियर होता है हर मॉलिक्यूल के लिए। जब वो इसको पार करेगा तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं पड़ेगा। बैरियर पोटेंशियल। हां एग्जैक्टली वही मान लीजिए, बैरियर पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल। कैटलिस्ट इंक्रीजेस। ओ भाई सब ग्राफ पढ़ के आ गए आप? अरे नहीं सर, क्वेश्चन पहले पहुंच गए। पहाड़ बना दिया उसमें। क्या रेट बाय कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय डिक्रीजिंग एंथैल्पी। ये एंथैल्पी और एनर्जी एक ही होता है। ये तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अभी एनर्जी लेके चल दो। मैम ये तो नहीं होगा बिकॉज़ अभी सर बताए थे कि रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा तो एनर्जी घटाएगा तो नहीं। इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, इस पे सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है जैसे फिजिक्स में ऐसा होता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल वाली बात लग रही है, तो मेरे को अगर हल्का सा कॉमन सेंस लगाऊं तो इंटरनल तो नहीं लग रहा। दो मैंने कर दिए एलिमिनेट, अब आप करो। अब आपका बस एक काम बचा हुआ है। दो मैंने कर दिए सर। अब्बा जब्बा टब्बा नहीं मैम, ये मैम फिर लग रहा है। कल की एक बात याद आ गई, प्लीज एक बार, ठीक है। क्या अक्कड़ बक्कड़ बंगे वो 80 90 पूरे 100, तो 100 यहाँ आता था और आंसर यहाँ लगाती थी, देख रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी पता होता था पहले से। मैम दो मैंने करे एलिमिनेट, एक बार आप। सर आपने नोटिस नहीं किया? सर आंसर लगा के गए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लेना ले लो, बात पे मान लो। और बच्चे से पूछ लो एक बार, बच्चे खुद कह रहे थे मैम सर पे भरोसा। पर हाँ, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बैरियर पोटेंशियल, वैसे मान लू ना उसको, तो बैरियर पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो हाँ कैटलिस्ट का काम तो वही होता है, अच्छा ही करवाएगा ना ये तो, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये डिक्रीज करना चाहिए। इंक्रीजिंग आपको लग रहा है क्या? नहीं इंक्रीजिंग तो मुझे भी नहीं लग रहा। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल तो नहीं होगा। ऑप्शन सी लगा दे। लगा देते सर। बच्चे ने मतलब मुझे लग रहा है। सोनम रानी जी आंसर दीजिए। मैम सर आप बोलेंगे कैसा लगा? अगर सही हुआ तो मैं सही था, अगर गलत हुआ तो मैम की वजह से हुआ। हां ठीक है देख लेंगे सर। जो वैसे भी पहला उनका गलत था, पहले भी उनका गलत था। मेरे से बड़ा टिक है सोचा मैंने, लेकिन चलो ठीक है। चलिए चेक कर लो सर। क्या बिल्कुल, चलिए वेरी गुड। सही है भाई, क्या बात है, मेरा मानना पड़ेगा। गुड लिया मेरे को, सही। चलो ठीक है सर, आपकी वजह से सही। यस वेरी गुड वेरी गुड। अरे थैंक यू मैम। अच्छा सिंपल सी बात होती है, अगर रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो मैंने अभी बोला एक बैरियर को पार करना होता है, और इसी बैरियर को अपन क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। सच में ऐसा बनता है क्या? एग्जैक्टली, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन बैरियर होता है। क्या होता है ये? एक्टिवेशन बैरियर। अब आपने देखा होगा कभी रिएक्शन नहीं होती तो आपकी टीचर क्या कहती है? बर्नर पे ले जाओ, थोड़ा हीट कर दो। हीट करना मतलब इन मॉलिक्यूल को क्या देना? एनर्जी देना, कि ये लोग इधर से कूद काट के इधर पहुंच जाए और काय में कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। अब कैटलिस्ट बोलता है ये पुराना काम है, इसी को तोड़ो सबसे पहले। तो वो क्या करता है? इस बैरियर को कम कर देता है। जैसे कि सर लोग ने सही गैस कर लिया। वो मैंने कहा बैरियर पोटेंशियल। और ये पहाड़ सर ने बनाया, ये पहाड़ मैंने बना दिया था। मतलब ये लिटरली होता है क्या? हां ये होता है। हां ये होता है, ये मुझे याद था सर। पहाड़ मुझे याद था। मानना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा। फिर बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े क्या? बढ़िया सर बढ़िया। देखे तो अगले वाले में क्या होने वाला, तुमको जानने को मिल गया, तुमको रिवाइज करने को मिल गया। मैंने पढ़ लिया है आपका कमेंट। वो कह रहा है कि हेमंत सर से बच के रहिएगा मैम, सर कभी भी बोल सकते हैं कैसा लगा मेरा मजाक, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है बेटा, बच के। बेटा आज तो लेके आया हूँ मैं ऐसे ही वाले क्वेश्चन, कैसा लगा मेरा मजाक, अब देखो जरा। चलिए तो बढ़े आगे। अब किसका आने वाला है? आने वाला। चलो आप लोग कटाने में जाता हूँ थोड़ा बाहर। चलिए मेरा था, आप लोग कटाना आगे। जाने का टाइम मेरा। कौशल्या थैंक यू। अच्छा 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 आप क्वेश्चन लगा दीजिए फिर आप चले जाइए। मैं क्या हो गया? अरे नहीं भरत, मैंने कभी इग्नोर नहीं करा भाई, मैं सबका पढ़ रहा हूँ कमेंट यार। गुड गोइंग प्रतीक सर। क्वेश्चन आ गया क्या? आर देयर एनी पार्ट्स ऑफ सर आप करो जब तक आंसर मैं आता हूँ थोड़ा घूम करके। आंसर देख क्या रहा? हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ। Are there any parts of the human body that get oxygen directly from air and not from the blood? भाई मेरे को ही पता है, मेरे को ही पता है। पता है? बता दो फिर। देखो nostrils तो नहीं है, ठीक है? लो सर नाक से सांस नहीं लेते। अरे नहीं रे भाई नाक सीधा ऑक्सीजन। क्वेश्चन ही नहीं भूल गई वो क्वेश्चन। आपने क्या पढ़ा? नॉट नॉट नहीं पढ़ा था। हाँ? नॉट नहीं पढ़ा था। तो आप जो बाहर से आप सांस लेते हो उसमें क्या ब्लड से लेते हो? That get oxygen directly from air and not. Sir, मतलब क्या? And not from the blood. क्या सर? हाँ हाँ. And not from the blood. तो यही है ना? भाई वो नहीं है कुछ भी मतलब यार. मैं भी क्यों ही बता रही हूँ यार? लगने दो यार. मैं भी क्यों? Are there any parts of the human body that get oxygen directly from the air and not from the blood? भाई इसका A और B दोनों है. Skin cells. Skin cells तो होते हैं. हाँ अच्छा मतलब सर आप डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन लेते हो, आपको नाक से सांस लेते हो। एक बात बताऊँ ये नॉस्ट्रल्स वाला ना आपने बहुत तगड़ा कंफ्यूज करके डाल दिया। हाँ वो तो मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा उलझाने के लिए और वो जैसे मैम उस पर एम्फसाइज कर रही है तो मेरे को भी लग रहा है कि ए और बी हो सकता है, ए और बी होगा जितना मैम ध्यान दे रही है मेरे को इस पे थोड़ा सा। अरे भाई बिल्कुल ना आई सरफेस पूरा कॉन्टैक्ट में होता है ना, उसमें क्या सोचना। तो नोज भी होती है कांटेक्ट में, हाथ भी होते हैं कांटेक्ट में, नोस्टल्स का आपने इतना आपको पता है मैम, ईयर्स भी होते हैं कांटेक्ट में। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना, हम बता गए ना एलिमिनेशन जेई वाले, हम जेई वाले यही तो हम पहले करते हैं अक्कड़ वक्कड़ की जगह या अब्बा जब्बा। चलिए भैया क्या है भाई? ऑप्शन डी होगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए डी फॉर डमरू। बजाइए मैम डमरू क्या होता है। लेकिन अगर नोस्टल्स हो गया बहुत बुरी चोट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, साइड से निकल जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? ऑप्शन चेंज। चलो मैम एक बार दिखा दीजिए भाई, एक सेकंड भाई 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 लॉक करें, एक सेकंड चेक कर लें एक बार फिर क्या लाइव में चल। ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। और गजब क्या बोलते हैं मैम कंफ्यूज करने का था। हां सर नॉस्ट्रल्स से आप जो लेते हो वो डायरेक्टली आप एयर लेते हो, मिक्सचर है वो गैसेस का, डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं लेते। और ये जो दो ऑप्शंस हैं ये आपको ऑक्सीजन पे फोकस करवा रहे थे, यही मैं जानने को मिला। अब क्या जानने को मिला? नहीं तो क्या है मैं क्या सोच रहा था पता है कि मैम ना इतना एम्फसाइज करे नॉस्टल्स के ऊपर तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगा मैम बोल के गलत होगा। हां बस मैं हमने अपोजिट ले लिया और अपोजिट में भी ये नहीं है भैया, यही ले लो सीधे खत्म। चलो बढ़िया। हाँ नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आता ना। तो स्किन सेल और आईज का सरफेस सेल ये दोनों आपको हेल्प करते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन लेने में भी, और नॉस्ट्रल से जो आप लेते हो एयर ले। आगे बढ़ाइए सर। चलो ये अगले पे चलते हैं। अच्छा आज के जो भी आप अगर वो जबरदस्त वाले ऑप्शन की वेट कर रहे हो तो आज वो नहीं है, ठीक है? आज आपको सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। ये पता हुआ वाला क्वेश्चन आपने कंफ्यूज सही किया था नॉस्ट्रल्स वाले में, मैं पता ऑलमोस्ट जा रहा था उसके ऊपर लेकिन आपको देख करके नहीं गया मैं बोला कि नहीं उसका लॉजिक सिंपल था सर कि हम नॉस्ट्रल से एयर लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते। भाई ये फोन ले लो फटाफट ले लो मुझे भाई। अच्छा और क्या भाई ईमानदारी तो है भाई, लड़कों में ईमानदारी तो होती है। सर क्या करे आ ही जाता है। अब तक तो बेईमान हो गए होते हैं स्टाइलिश, फिर तो बेईमान हो गए होते हैं। चलें क्यों मैम? भाई एक बार देख लो फिर तो मैं। अरे भाई ये 12th वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं फिजिक्स लैब से ब्लेजर में डाल। मैंने भी उसका पिछले वाले सेशन में आपने बोला था, पिछले सेशन में आपने इनने पता कैसे उचकाया? नहीं नहीं मैंने नहीं, इनने भी उचकाया था। इनने कैसे उचकाया था? इनने खुद नहीं उठाया था, दूसरे के ब्लेजर में डाल दिया था और इनका बेस्ट फ्रेंड था यही थे और बाल ले लिया था इनने। सर मैंने तो जिस दिन उचकाया मेरी शक्ल इतनी बोली, मैं एक्टिंग भी नहीं कर पाई कि नहीं उचकाया। मेरे बैग की चेकिंग बहुत हुई होगी, मैं इतनी बोली यकीन भी नहीं कर पाया कोई। और मेरे बैग की चेकिंग हुई, उसमें से प्रिज्म बाद में निकला, पहले बाकी सब सामान मेरा जो भी। कितने प्रिज्म निकले थे मैम? एक ही था वो भी पोटेंशियोमीटर भी डाल दिया होगा पहुंच पाया भाई। वो मेरा बस मैं लेके जाती फिजिक्स लैब से लॉजिक गेट, वो तो बड़ा था वरना मैं पक्का लेके जाती। लगता बहुत क्लासी है लेकिन बहुत मजा आता था उसको मुझे करने में, बस कॉम्बिनेशन लगाते थे। अब क्वेश्चन है आप लोग के लिए भाई, बाकी लोग का दिक्कत होती थी उसमें, बाकी लोग का आंसर चाहिए था। सर आ जाओ आ जाओ। Which color lies at the lower end of the spectrum of prism? वो होता है ना कि व्हाइट लाइट आती है। भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी। अरे मैं बहुत ऑप्शन क्वेश्चन है आपको पता है। हाँ। पिछले वाले सेशन में था ये नहीं था मैम। अच्छा अपोजिट था इसका। ये क्या है? लोअर एंड निकालना है। लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे प्रिज्म के कौन सा कलर आएगा? भाई अब आप इन दोनों को करने दो मेहनत यार। मुझे ऐसा लग रहा है सर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले वाले सेशन में था। हाँ पिछले वाले सेशन में था सर ये क्वेश्चन आपने तब तो क्या करें मैम। पिछला वाला एक बार वीडियो खोल के दे रहे हैं आपको। सर ना बोर्ड पे जब देखो दिल ही बनाते रहते हैं अलग अलग प्रजाति के। क्यों दिल क्यों सर? क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। क्यों दिल क्यों? क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। पिछले सेशन में भी सर ने बोर्ड पे इतनी प्रजाति के दिल बनाए हैं। प्रजाति के मतलब और पहली बात तो भाई ऐसा तो मैडम बैठी है तो बोलती होंगी ऐसा तो होता नहीं है। आपकी अलग फीलिंग चल रही है ना। असली वाला दिल जब आया तो सर बोलने लगे ये यहाँ से फट क्यों गया। वो भाई टूटा हुआ दिल था वो। अच्छा अच्छा बहुत टूटा हुआ। लेकिन आपके हिसाब से तो दिल ऐसे ही टूटता होगा ना ऐसा। सही बनाया एकदम। इनके लिए एक्सपीरियंस बहुत महंगा। इनको रोज देख के कि ये लोग लगे रहते हैं ना टूटा दिल जोड़ा दिल क्यों। अरे हाँ यार ये तो है। उसमें जल्दी लगाते होंगे ये रफ सरफेस स्मूथ सरफेस वाली फ्रिक्शन वाली। क्रिश भाई बिल्कुल आपको भी अगर इसका आंसर आ गया तो मजा आ जाएगा। बाकी लोग क्या लग रहा है? हाँ मैम बताइए क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आप ना अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हो। आंसर वही है जो मुझे लग रहा है। पिछली बार आपने रेड पूछा था, इस बार आपने अपोजिट पूछा है। चलो भाई हम कर लेंगे। आपको ही करना है क्या? नहीं आप ट्राई कर लो। चलिए ट्राई कर लो। स्प्लिटिंग है क्या? मेरे हिसाब से तो अपोजिट करना। टूटा दिल किसका है भाई? तुम समझ जाओ किसका है। क्यों टेंशन ले रहे हो? रेड का अपोजिट करना है सर बस बात। हाँ तो वही है ना भाई स्प्लिटिंग होती है। विबग्योर बनाता हूं भाई। हां विबग्योर का बस। लेकिन पता है क्या हुआ वो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन वो जो उन्होंने वर्ड यूज किया है ना वो बहुत दिक्कत दे रहा है कि अब भाई आंसर तो दो में से एक है। इंग्लिश में या तो रेड है या तो वॉयलेट है। इंग्लिश वर्ड है नहीं इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वाली में भी नहीं है। कंफ्यूजन अब इन दोनों में हो रहा है कि रेड है कि वॉयलेट है। और आंसर मेरे हिसाब से तो यही है। वही तो मेरे मैं कह रही हूं तब से कि रेड का अपोजिट। मैंने सुना ही नहीं ना। और मैं तो भाई सुना ही नहीं ना। मैं तो टूटा दिल और बना दिल में बात कर रहा था इनके साथ। अच्छा मैं इतनी देर से कह रही हूं भाई रेड का अपोजिट है। बच्चे भी बोल रहे हैं हेलो भाई आंसर भी दिख गया। सब तो कह रहे हैं सी सी। चलो भाई सी फॉर क्यू। सर ये लाइव में अरे बता रहा है भरत सर ये लाइव में भी बनाते हैं सर। ये प्रतीक सर का सिंबल है। ऐसा नहीं कि टूटा दिल ना पता था मुझे। टूटा दिल नहीं मुझे पता था टूटा दिल। ये केमिस्ट्री में करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। प्रतीक सर क्या हो गया? हम तो बॉन्ड भी बनवाते हैं। हम तो बॉन्ड भी बनवाते हैं तरह तरीके के बॉन्ड्स में तो बनवा दीजिए सर। मैं बनवा दूंगा इनका कोई दिक्कत नहीं। वो एक बार हो जाएगा नहीं सर। अब इनकी उम्र हो गई है शादी वाली करवा देंगे। चलो चलो रेडी। हाँ भाई क्या बोलो सब लोग। एक स्टूडेंट ने तो कल हेमंत सर की एंगेजमेंट करवा दी थी सर। अरे मैम उसका काम है कैटरिंग का मेरे को पता है। अच्छा वो करवाता रहता है आपकी शादी एक कट वही ट्रेंड मान रहा ऊपर। हेमंत सर बढ़िया चल रहा है ना। अरे कौशल्य ऐसा कुछ नहीं हुआ वाली बात हो गई। ठीक है चलो रेडी। हाँ भाई चलिए भैया एक बार बोल रहे फिर दोनों सर मिलके मेरा फोन छुपा देते हैं बार बार। चलिए भैया यही आएगा। क्या बोल रहे हो फिर सब लोग? क्या बोल रहे हो? वायलेट 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 भाई। एक बार देख लो सही जा रहा है वैसे आंसर। बट होता क्या है ना कि जब व्हाइट कलर की लाइट आती है कौन सी लाइट आती है ऐसे व्हाइट कलर की ठीक है तो वो ऐसे पूरा ऐसे स्प्लिट आती है 7 कलर्स में ठीक है 5 6 7 और सबसे नीचे वॉयलेट होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें फंडा किसका होता था सर? वो उल्टे वाई का। उल्टा वाई मैम लास्ट टाइम भी गई थी मैम ने। एक हफ्ते में कुछ सीखा नहीं है। ये क्या वेवलेंथ कहते हैं? हां वेवलेंथ। भगवान लैम्डा सर लैम्डा वेवलेंथ। बहुत मैम सीख के आ गई आज। क्या ये बताना था ना अपन वेवलेंथ का क्वेश्चन लेके आते एक आज। फिर मैं कहती अरे यार उल्टा वाई भी पूछ ली। चलो मैम इसको क्या कहते हैं? ये तो सही है। क्यों मैम इसको क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं क्या? नहीं म्यू तो वो होता है ना वो ऐसा मैम एबीसीडी वाला वी है। फिर ये बताओ हैं ये म्यू यही तो बनाया मैंने। अरे हेमंत सर ये बनाने का ट्राई कर रहे थे फ्रीक्वेंसी वाला न्यू बोल रहे थे ठीक है। अरे आपने घुमा दिया उसको। घुमा दिया उसको। बुक्स में ये बनता है बाकी हर टीचर लेकिन बनाता है ऐसे ही है वो नहीं तो वो वी दिखता है सब लोग को। फिर हाँ यहाँ पर मैं तो ऐसा बनाता हूँ सर। ऐसा टेढ़ा करो ना हाँ तब बन जाएगा न्यू। सही बात है सर ऐसा टेढ़ा करो आप। ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून। अभी आया क्या भाई पारुल? आना सर जिसको आना है। चलो भाई जल्दी आ जाओ। ओके ये तो हो गया भाई। अब मेरा काम हो गया। इसका आंसर आ गया। काफी लोग कह रहे थे वायलेट भाई। सब लोग लगे पड़े थे वायलेट वायलेट। बहुत शानदार भाई। बच्चों को पता है ना भाई। बहुत बढ़िया सर मैंने पहले ही बता दिया था भाई रेड का अपोजिट करना है। भाई बहुत जल्दी लेंगे बहुत जल्दी मिलेगा। रेड का अपोजिट ये आपका लॉजिक था। रेड का अपोजिट वायलेट होता है। लेकिन और पूछा था ना वो आयर होता है। गुड बहुत बढ़िया मैम वो आयर होता है। मजा आ गया मेरे को तुम्हें जाकर। चलिए भाई आपको 2 अलग अलग आंसर मिले ना। एक वो 2 × 10 120 और एक ये ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा। सही तो जा रहा है ना भाई। सही जा रहा है वायलेट बिल्कुल भाई है। चलिए भाई पहुंच जाइए आप, मजा आएगा। अरे करंट वाली टेक है इसके अंदर। हाँ ये लीजिए यार, मेरे पे लोड आ रहा है सॉल्व। हेमंत सर ईमानदारी, अच्छा ईमानदारी आंसर देखने के बाद ठीक है। अभी आया भी नहीं है, अभी बच्चे बहुत तेज आ गया होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा पता है यहां पे डाउट क्या आता है, मतलब शायद ये सिर्फ मेरे को ही आता है या फिर क्या पता कॉमन डाउट है, भाई लोग बताना सब लोग। ये जो फैराड है ना, मतलब मुझे लगता है दिल बना दिया। अरे वही है अपना स्टार मार्क है वो, ठीक है। मुझे लगता है पता है क्या कि चार्ज होता है कूलम में, लगता है क्या होता ही है कूलम में, लेकिन मेरे को याद है क्या चार्ज है भाई, खुद ही अपने हाथ पे कूलम नहीं होता है। लेकिन होता है मैं बनाती हूं हर जगह स्टार, तो स्टार बना के मैम से पूछ लेते हो। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैम को कर लेने दो यार, पहले उन्हें बोलने तो। नहीं नहीं पहले मैम को कर लेने दो सर, 2 मिनट रुको, पहले मैम को ट्राई कर लेने। पक्का सही है सर हिमांशु सर, पक्का ना? एक बार चाहे तो आप और ऑप्शंस, और ऑप्शंस ऑप्शंस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप आके खड़े होने वाले हो। मजाक 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 कैसा लगा मेरा मजाक, अब देख लो। नहीं 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 चार्ज है ना, बताओ यार क्या कर रहे हो। चार्ज रिक्वायर्ड सर, स्टूडेंट्स बता रहे हैं या नहीं? स्टूडेंट्स तो पूरा बता दिए भाई, बता दिए, प्रूफ दीजिए। नहीं अभी देंगे थोड़ी देर बाद। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। एक फॉर्मूला बता दो। ये तो गलत बात है सर, कल ही बोला था आपको कैलकुलेशन नहीं लगा। प्लेन मिरर में क्या फॉर्मूला था, उसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें एक कोई बेसिक फॉर्मूला सेटिंग चल रही है इधर देखो, अपन इन्वॉल्व नहीं है। अपन दोनों को ही करना है इसको। मुझे आप मतलब क्या करना क्या है? फॉर्मूला को सॉरी, अरे एक फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला देख लेंगे एक बार। नहीं अच्छा ऐसा क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। जल्दी भैया बच्चे लोग, राइट कामिनी लोधी जी ने आंसर दे दिया यार। बोल रही है कि कम से कम फिजिक्स वाले सर से तो हो सकता है, ऐसा बोल रही है वो। एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं आप, दिखा रहे हैं भाई, अभी दिखा देंगे। लो वो भी कह रही सर आप चीटिंग कर रहे हैं। सर ये कमेंट मन से भी बनाया जा सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। सही 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 नहीं नहीं, मैंने जो नाम लिया है वो समझ गए होंगे, वो कमेंट सही होगा। प्रेशर क्रिएट कर, वो कमेंट सही होगा। AlCl3 क्या करे इसका? अरे बेटा मैं कहां अटक रहा हूं, मैं इसको देख के अटक रहा हूं, ठीक है। ये जो AlCl3 है ना, अब ये अपने फिजिक्स में नहीं आता ना इस तरह की चीज। चलो ठीक है, बस इतना बता देता हूं, Al की वैलेंसी +3 होती है। अच्छा 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 नहीं समझ गया। रुक जाओ मैम को पता है, मैम को पता है। 2 मिनट रुक जाओ। हां रुक जाओ, उसने ये रुक जाओ 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। हां बताओ, अब बताओ +3 हो गया है, अब बताओ। बताई तो रही थी, चलिए +3 होती है तभी तो 3 नेगेटिव क्लोरीन आइटम को पकड़ के बैठा है, ये बताने की क्या जरूरत है भाई। ये हिंट था क्या +3 होती है? ये हिंट था क्या? मतलब ये बताओ, ये बताने की। मैंने बहुत कैलकुलेट करा, अभी क्या कैलकुलेट करा, मैंने सोचा बहुत ज्यादा, ठीक है तब मेरे को समझ में आया। एक सेकंड हेमंत सर बताइए जरा, अगर ये +3 नहीं होती तो ये 3 नेगेटिव को क्यों पकड़ के बैठता? ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात थी। अच्छा चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन चेंज करते हैं। कूलम और फैराड के बीच में रिलेशन मैम, ये यहाँ नहीं पूछा गया। नहीं प्लीज एक बात, क्योंकि ये आंसर तभी आ सकता है जिसको वो रिलेशन पता है कि नहीं। वही वाला है ना जो मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल। अभी रुक जाओ, पता ये माइक लगा होता है। अरे लंबी सी एवोगेड्रो होती है, ठीक है। अच्छा वो एवोगेड्रो तो बहुत ही लंबी होती है। अरे मेरा तो कल वो वाला वैल्यू भी करा, वही आ गया था भाई। मेरा तो कल ये वाला 1 इकलौती वैल्यू -19 चार्ज होती है उधर, वही तो कह रही है 1 इकलौती वैल्यू मुझे याद थी, आधी के नीचे आती। मैंने कहा और ये बोला उन्होंने, मैंने कहा 1 लगाना है इधर, तो तभी तो मैंने आधी बोली। ये वाली आपका आंसर 10^-10 गलत हो गया। कितनी आदत है ये। अब क्या करें सर इसका बताइए। अरे वैलेंसी 3 ना, तो ये चार्ज, अरे वो चार्ज ही होगा ना वो, तो देखो वैलेंसी। हाँ। अगर 3 जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो 3 ही होगा ना। देखिए सिंपल सी बात, वो कह रहा है एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है। हाँ। अब इस कंपाउंड में अभी मैम ने जैसे बताया भाई, मैंने सही बोला क्या है +3। अगर इसको डिपॉजिट होना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली बात है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके 1 एल्यूमिनियम डिपॉजिट। 3F इज द आंसर। अब मान लीजिए इधर सुनिए मैम, एक क्वेश्चन, अगर ये 2 Al3+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? डबल कर दो। समझ गए 3 आंसर है, समझ गए 6 ले लेगा। अगर 3 होगा तो और कर दो आप मल्टीप्लाई, और अगर 1 मोल एल्यूमिनियम होगा तो यूनिटरी मेथड। हाँ वो नहीं पता, एक कुर्सी कितने की? 4 कुर्सी। 1 मोल है तो कितना? आपने अभी यहाँ क्या लिखा था सर, इन दोनों वैल्यूज को हटा के? मेरे को क्या पता मैम भाई, ये +3 लिखा है तो उसको अरे मिटा दिया आपने, वापस आ गया सर मत रो। नरेंद्र एक काम करो यार, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये -3 मैं गुस्से में मिटाई जाती है। -3 लेगा ना सर, ये माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। सही है मैम, सही जा रही है। अरे कौशल्या थैंक यू यार, कौशल्या थैंक यू। में उलझोगे तो भाई ऐसे ही अजीबोगरीब आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर सही इलेक्ट्रॉन अपन शीशम करके, शीशम का साइंटिफिक नेम याद करने वाले लोग ऐसे ही याद करते। क्या होता है नाम, क्या होता है उसका? सीसो, 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 शीशम। शीशम जो लकड़ी होती है ना, उसका पूरा नाम क्या होता है? यही होता है जो इतना लंबा बोला अभी। शीशम ही सही है भाई, शीशम पे ज्यादा बेटर है। सीसो सीसो वो फिर चलिए भैया, तो इसका आंसर कितना है भैया अपना? 3 फैराडे। एक क्लियर है, क्या बात। अरे भारत, प्रतीक सर आप बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। सोनम भाई मजा आ गया मेरे को, मैं जा रहा हूं क्लास लूंगा आज मैं। आज इतना मोटिवेशन सर 2 के बाद ले लेंगे, अभी सर 2 के बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 2 के बाद क्लास ले लेंगे, 2 के बाद नहीं ले रहा मैं क्लास आज, 2 के बाद नहीं ले रहा। सर को जाना है, सर की पिक्चर छूट रही है। चलो नहीं मैम का लेकिन लॉजिक सही था, आपने बस अगर वो यूनिटरी में अगर हेल्प नहीं करी होती ना तो मैम शायद अटक जाती, लेकिन पर फिर मैंने हेल्प करी आपकी। क्यों मैम? एमजी फ्रॉम मुरादाबाद। करें चेंज। चलो दूसरे पे आ जाए। नरेंद्र भाई क्या हाल है आपके? आ गए आप आज, बहुत दिनों बाद। सर आपको मेरा क्वेश्चन है क्या? किसका ये मैम? ये वैसा वाला क्वेश्चन है क्या जैसा उस दिन हुआ था? नहीं सर नॉर्मल है, लग तो वही रहा है। कैन आई टर्न अ कैट इनटू डायमंड? नॉर्मल है सर, फैक्ट बेस्ड है। अगर होता है तो हाँ, नहीं होता है यार। जिनको याद होगा ना जब हमारा सेशन हुआ था भाई, बायो में इतने शानदार शानदार ऑप्शंस थे ना, ठीक है मैं देखा था, देखा थे ना एक तरफा सारे ऑप्शन सही लग रहे थे। बैठ के सब बनाए इनने। सर से जब पूछा गया कि क्या ह्यूमंस की कैट होती है, सर पूरे कॉन्फिडेंस में मेरी तो नहीं है। अच्छा पूरे कॉन्फिडेंस में मेरी तो नहीं है, लेकिन वो दिखती नहीं है और वो छोटी। हाँ वही। हाँ आपने भी क्या बोला, क्या ह्यूमंस की कैट होती है? टेल बोला, कैट बोला है आपने, कैट। तभी तो मैं कंफ्यूज हुआ मेरे को लगा, मैं भी 2 मिनट सोचा, मैंने कहा ठीक है वो पूछ की बात कर रही होंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ी कम है आज, ठीक है कोई बात नहीं। चलो टेल होती है। चले ओके। मैथ वाले टीचर का लेक्चर कब होगा? अरे यार आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो सर बताइए, मुस्कान मैम चाय पियेंगी आप? अरे यार ये सर उधर का चीटिंग करने आ रहा हूं, फोन उठाइए। पानी पी रहा हूं भाई। मुस्कान मैम कॉफी वाली है, मुस्कान मैम चाय नहीं पीती है, ठीक है। चाय वाले हमें बताइए सर, जल्दी मंगवाइए। Can I turn my cat into diamond? हेमंत सर एंगेजमेंट कर लो, हमें गुलाब जामुन खानी। हाँ सर कर लो, हमें भी खानी। ले देख रहे हो भाई वाला, वो छोड़ो वो छोड़ो भाई, मतलब मेरी बर्बादी है। गुलाब जामुन भाई ऐसे ही खा लेना तू आके यार, भाई चमचम खा ले 2-3 बार। Can I turn my cat into diamond? मैम वो कैट किस तरह की? हाँ नॉर्मल कैट है सर, नॉर्मल कैट, मियाओ टाइप्स, ठीक है। उसको डायमंड आपको तो पता ही है। और डायमंड अच्छा ऐसा है क्या भाई? बताओ यार, केमिस्ट्री का सवाल है तो यार। डायमंड कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप नहीं पूछा सर, डायमंड कैसे बनता है? कार्बन्स का कुछ वो प्रेशर कंप्रेशन ऐसा कुछ होता है? ओके ऐसा कुछ जा रहे हो क्या? सब तो बता ही दिया, बचा क्या? मे बी इन द फ्यूचर। ये ऐसा तो नहीं है, ये मर गई, मर गई, इसको मार दिया भाई, मेरी बिल्ली को मार दिया फलाना डैम का। और वो कार्बन के आइसोटोप्स में एक आता है डायमंड, फिर तो पॉसिबल है मे बी इन फ्यूचर। मैं जा रही हूँ पानी पी के आती हूँ, आप लोग लगाओ तो भाई, अभी तुरंत कैसे बन जाएगी फ्यूचर में तो के। एक बार जा रही हूँ पानी पी के, इट इज पॉसिबल। ये दोनों ही ऑप्शंस ना एकदम सही हैं, ये वाले पे थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। सीसो सीसो शीशो। अच्छा अच्छा वो तो छोड़ो भाई। एक बात बताओ, मे बी इन फ्यूचर, मे बी मतलब डाउटफुल है, डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि और लोग मेरे लॉजिक पे हंसी उड़ा रहे थे, इनके लॉजिक देख रहे हो? नहीं एकदम सेंसिबल। हाँ तो लॉजिक है ना, सेंसिबल है। मैंने क्या बोला, ये भाई कोई भी मरता है तो सीधे बरीड करेंगे, उसके बाद वो हड्डियां कन्वर्ट होती है फॉसिल फ्यूल्स, और भैया कार्बन मतलब डायमंड मिलता है। बताओ भाई, तो ऑप्शन तो यही है। तो ये वाला बिल्ली को डायमंड में कन्वर्ट करके पहन के घूम सकते हो? जल्दी बताओ। अरे वो नहीं घूम पाएंगे, कोई और घूम लेगा, पहन के वो नहीं घूम पाएंगे। अरे ये थोड़ी लिखा है पहन के घूमना यार, मैम कंफ्यूज कर रही है। मतलब बिल्ली इधर लटकाओ फिर वो डायमंड। ये सोचो भाई, बिल्ली नहीं, मत ही सोचो। यस इट इज पॉसिबल। बिल्ली नहीं लटकानी है, उसे डायमंड में कन्वर्ट करके फिर अरे तो मतलब बिल्ली मारने के बाद ही कन्वर्ट कर पाओगी भाई, वो आप जानो। ये मैं बता नहीं तो लगे वो मशीन पे है, मैंने बता दिया शेप बिल्ली जा रही है कितना शेप में कन्वर्ट हो रहा है भाई। बोल ऐसे क्वेश्चन लाते तो हम भी लाते यार, फिर बिल्ली शेप की अंगूठी बन रही है भाई। चलो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। क्रिएटिविटी यहां पर दिख रही है। मैम चेक कर ले आंसर, चेक कर ले आंसर क्या है आंसर? अरे नहीं नहीं भाई, भाई हमारे पास है ये, जो होता ही नहीं है क्या? ये लो भाई, यस इट इज पॉसिबल। हमारे पास है रबर, बस वो चल नहीं रही है। कोई बात नहीं, ऑप्शन ए। हां तो ऑप्शन ए भाई क्या बात है, बताया तो ये है क्या? बस चले ओके डन। बताया तो मैंने, ऐसे क्वेश्चन बना दिया, अब क्या चाहिए? सर ये तो आपको पता ही होगा ना सर, कार्बन को कंप्रेस करके ऐसे ही तो बनता डायमंड। हां हां ठीक है, बट लॉजिक क्या है इसका? भाई लॉजिक है, लॉजिक है। आप किसी भी पेट को अगर आप मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो, किसी भी करना चाहते हो, कार्बन उसके अंदर होते हैं ना, कंप्रेस करके डायमंड में कन्वर्ट करके पहन के घूम सकते हो। नाइस लॉजिक। नहीं वो बात ठीक है, कॉस्टली है लेकिन। हां मैं भी वही बोलने वाला था, डायमंड की दुकान में बोलनी पड़ जाए लेकिन बहुत ज्यादा। भाई तो एप्पल ले लिया तो क्या कॉस्टली है भाई। हां हेमंत सर देखो थोड़े दिन बाद डायमंड पहन के घूमे, क्या कॉस्टली। लेकिन मेरे पास बिल्ली नहीं है जो मैं उसको कंप्रेस करके डायमंड में। कुत्ता तो है सर। नहीं पर उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं यार ऐसा मत करो यार, नहीं करेंगे। चलो डायमंड के लिए बेचारे पेट को ही उड़ा दो। चलो ठीक है ओके डन, अच्छा रहा। बिल्ली को मशीन में डाला जा रहा था तब कुछ नहीं। भाई ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया मैंने, एक बार चेक करो प्लीज ठीक है। अब मैं पानी पी के आता हूं। इतना पसंद आया आप अभी भी उसी फॉर्म में? मुझे लिटरली बहुत पसंद आया था, मुझे लिटरली बहुत। सर ईमानदारी से फोन ले लीजिए। अरे मैडम आपको पता क्या था, एक बिल्ली बनानी थी, ट्रांसफॉर्म होते हुए डायमंड बन जाना था। अच्छा क्वेश्चन था ना। फिर मैंने क्वेश्चन तो बढ़िया था, फिर ऐसे बढ़िया पहन के घूमते एकदम बढ़िया। तो आपको पता चल गया ना, आज के बाद अगर कभी पूछे ऐसे अमेजिंग चीजें बताओ तो बता देना भाई। बिल्कुल अच्छा था, अच्छा था। डायमंड में अ पर्सन इज कैरिंग अ सैंड बैग, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, रेत से भरी विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर। ये रीड करने में कितना अच्छा लग रहा है। बायो बायोलॉजी में तो बायो रीड करने में अभी कितने अच्छे से रीड, एज शोन इन द फिगर। अब बायो रीड करने में भाई तो ऐसे ऐसे रीड किया था, मेरास्मस एलास्मस एस्परागस। वो तो जो मेरा तो क्या था, डोला क्या था मैम? वो डोला नहीं, डमडम। नहीं डमडम नहीं, एक और था डोला फीवर भी था। हां नहीं डोला कुछ और था, क्या था? डोनोवानी। डोनोवानी लक्ष्मणी या डोनोवानी। अब मैंने इनको हिंट दे दी सिंधी, मैंने कहा वानी वानी, मैंने कहा वानी वानी, मैंने इनको हिंट दे दी सिंधी और उन्होंने लगा दिया डोनोवानी। आप समझ रहे हो? अरे वो तो बहुत ही क्लियर हिंट दे दिया आपने मैम, आपको जाना चाहिए था इनको। मैंने 3 बोल दिया, उन्होंने उड़ा के पकड़ दिया। प्रतीक सर सही बात बोलते हैं, देखो मैंने क्लियर हिंट दी थी। मैंने भी तो दी थी अभी 3। भाई भाई मैंने कैलकुलेट किया था उसको, मैंने बता दिया था, मैंने पूरा कैलकुलेट किया था उसको। चलो अभी स्टूडेंट के कमेंट आने लगेंगे। A person is carrying a sandbag as shown in the figure with a speed of 2 meter per second। अच्छा सेंटीमीटर से मीटर पे आ गए सर आप। क्या बात है भाई। बैग ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ 2 ग्राम पर सेकंड। सर कमेंट देख रहे हैं? अरे मैं ये देख रहा था, अरे मैं देख रहा था बैठे कितने हैं, वो सब मैं चेक कर रहा है। चेंज इन द स्पीड ऑफ ट्रॉली, कहते अपने वाले ही अगर चोर है तो भाई क्या बोलोगे? मतलब मिलके काम करना है ना यार, मैं नहीं देख पाऊंगी भाई। एक बार ना तुम लोग भी डायग्राम देख लो भाई, ये जो रेत की बोरियां है ना, इसमें से क्या है रेत निकल रहा है, और रेत जो निकल रहा है फट गई होगी बोरी। भाई क्या दिक्कत है यार? सही बात है। हाँ सर एक्सप्लेन कीजिए। तो जो रेत निकल रही है, क्या मैं नहीं करूंगा, जो रेत निकल रही है ना उसका रेट भी गिवन है, अब आपको बताना है बस। हाँ ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, ये ठीक है ठीक है, नो रॉन्ग आंसर। अरे बिल्कुल आंसर नहीं है भाई, क्या बात है। आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, अरे आई एम फ्रॉम एमपी। चलो 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 ठीक है। मुस्कान मैम एकदम कॉपी किताब लेकर के बैठ गई हैं। अब वो कर रही है कैलकुलेट कि आज तो न्यूटन का थर्ड लॉ में ऐसा निकालूंगी। मम्मम पानी पीने गए थे यार। मम्मम ये कौन सा पानी होता है? उसका बायोलॉजिकल नाम होता है मम्मम। अच्छा 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 पानी का। अरे सर कल सर ने क्या लिखा था सर आपने, वो ट्रिटियम, और मैंने बोल दिया कि हमारे गेहूं के नाम से। गेहूं का भाई वो गजब नाम लिया, मैंने कहा भाई कभी जाना मत। नाम लिया ट्रिटिकम एस्टिवम सर, वो गेहूं का साइंटिफिक नेम है। सुनो मैंने कहा चेन्नई वाला मार के भगाएगा कि यार ऐसा कुछ चीज हमारे यहां नहीं होती। बोला ये हमारे यहां पिस्ता ही नहीं है, ये हमारे यहां पिस्ता नहीं है, मिलता है मेक्सिको में। वहां होता होगा गेहूं ऐसा भाई। तो करना क्या था सर इसमें? लो आखिरी में इंग्लिश में लिखा है, प्लीज चेक भाई लोग। बाकी लोग बता दो क्या लग रहा है भाई, मेरे को बाकियों के आंसर चाहिए जल्दी। अच्छा ट्रॉली के ऊपर वेट कम होता जा रहा है, ट्रॉली के ऊपर वेट है ना बिल्कुल कम होता है, कम होता जा रहा है, तो स्पीड में फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी, वेट कम होता जाएगा। तो एक बात मैं बताऊं आपको मैम, अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, नो चेंज। एक सेकंड, इतनी आसानी से कैसे बढ़ जाएगी? मतलब कुछ तो इनने डाला होगा इसमें, लोचा लॉजिक डाला है मैम, लॉजिक लोचा डाला है सर, लॉजिक डाला है। सोनम का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। सोनम तो मेरे साइड थी। हाँ तो वो आपके साइड से आंसर दे रही है, ऑप्शन गलत बता रहे हैं। आप देख लो मैं बिल्कुल एकदम सत्य वचन बोलता है। ये दूसरी सोनम है सर, ये सोनम है, सोनम रानी नहीं है। अरे बाप रे, इतना आपका फैन बेस बढ़ गया है भाई। सोनम रानी का भी आ गया, लीजिए। सोनम रानी का भी आ गया, ए होंगे यार। भाई एक बात बताऊं अभिषेक, मेरे को नहीं लग रहा हेमंत सर बहुत लॉजिकल काम कर रहे हैं, लेकिन अपन सब बात करें, लेकिन हेमंत सर क्या है, आज तक की सारी केमिस्ट्री, सारा फिजिक्स, पूरा कैलकुलेशन, पूरा लॉजिक सर ने लगा दिया इसको। आप लोग करिए ट्राई फिर। देन फाइंड द चेंज इन द स्पीड ऑफ ट्रॉली। क्या बात है, सोनम रानी मेरी दूसरी है। ये तो है ही नहीं सर, ये भी नहीं है। नीता चौबे जी लाइव सेशन, क्योंकि ऑब्वियस आंसर क्या निकल के आ रहा है कि एकदम कम हो जाएगी स्पीड, सॉरी स्कोर बताना है क्योंकि वेट कम हो रहा है। एक सेकंड, स्कोर बताना है भाई, इसका नहीं हो सकता। स्कोर अभी चल रहा है ऐसा है कि सब बराबर पे, अभी सब बराबर पे, हाँ अभी कोई नहीं आ रहा। उल्टा क्या मैंने बहुत तरीके से आंसर दिया, कौन सा होना चाहिए? वही बात है सर कि ऑब्वियस के अपोजिट जाएंगे भाई। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक चीजें गिवन नहीं होती हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट, और ऐसा आप कह रहे हो इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब मतलब मैं अगर मैं प्योर हिंट भी दूं ना यार, ट्रेस्वियम, यार ये क्या है नाम क्या होता है पता नहीं, ट्रेस्वियम नहीं बोल दिया, ट्रेस्वियम भाई कुछ और बोला था उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले। अरे मुझे जो याद है मैंने ट्रेस्वियम बोला था, एक बार और बता दो भाई। सीसम नहीं, अच्छा गेहूं का नाम बता, गेहूं वाला क्या था? ट्रेटिकम एस्टिकम, ट्रेटिकम एस्टिकम, अपन बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, बेइज्जती बहुत हो रही है सामने, अपन एक ग्रुप बना लेंगे। मैं तो पता चले अपन जब लाइव लेके आए तो बच्चे बोलेंगे भाई आप भी इसी पे हो ना, क्या स्कोर आ रहा है? केमिस्ट्री फिजिक्स, हां आंसर दे दिया हमने, आप कौन सा फोकस कीजिए, नो चेंज, कुछ नहीं बदल रहा, नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदल रहा, हमें बदलाव पसंद ही नहीं है, नहीं बदलाव पसंद नहीं है इसलिए भाई मेरे को लॉजिक चाहिए, लॉजिक क्या है हेमंत सर बताइए, बदलाव पसंद नहीं है लॉजिक, हेमंत सर पेश कीजिए लॉजिक। कुमकुम मुझे जानती हो क्या? ढूंढ रहे हैं सर, देखो ये देखो, हां बताओ, अगर आप कह रहे हो चेंज होगा कितने का, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई एक बात सुनना, चेंज इन द स्पीड पूछा हुआ है, मतलब स्पीड ही आना चाहिए, तो ये मीटर पर सेकंड, ये यूनिट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पॉइंट इज दैट कितने पे चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, सीधे डबल थोड़ी हो जाएगी, इतना कम थोड़ी चेंजेस आ रहा है, ग्राम में चेंजेस आ रहा है, 2 ग्राम पर सेकंड, हाँ मतलब एक सेकंड में 2 ग्राम, लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा चेंजेस आएगा, ओके ठीक है। उसके बाद ये 2 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं लग रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, चेंज कम आएगा, नहीं 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 एक सेकंड, आप बोलो चेंज ज्यादा नहीं आएगा तो चेंज कम आएगा ना, दोनों में से कुछ तो एक बोलो, लास्ट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसमें लास्ट में सर इधर शिफ्ट हुई है जरा, लिखा है कांट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना यार, टाइम गिवन है गैस पूरे क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया था, कैलकुलेट तो कर सकते हैं। एक सेकंड क्या होता है ना भाई साहब, टाइम गिवन अगर नहीं होगा ना तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइम गिवन नहीं है। अगर आप ये सोचें कि ये 2 मीटर पर सेकंड में टाइम गिवन है क्या, तो ऐसा होता नहीं है हेमंत सर, वो क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड है ना, वो प्योरली वेलोसिटी होती है, ऐसे बता रहा हूं मैं, नहीं लेकिन अपन उसके हिसाब से टाइम को ले तो सकते हैं ना, 1 सेकंड का केस बना के फिर, हाँ तो कितने सेकंड का केस बनाएंगे, कितने सेकंड, हम 1 सेकंड की बात करेंगे, सवाल में कहीं पूछा नहीं कि नहीं, हम तो 1 सेकंड की बात करेंगे, क्योंकि देखो जब कुछ नहीं दिया तो स्टैंडर्ड वाइज तो हमें 1 सेकंड ही लेना पड़ेगा ना, और तो उसके हिसाब से तो भैया मेरे हिसाब से तो नो चेंज पे ही बैठेंगे अपन, पक्का पक्का डैम श्योर। मैम आपका ऑप्शन क्या है? आपका तो वही था कि आपको बदलाव पसंद नहीं है। हां अच्छा भाई क्या बात है यार, बहुत लॉजिकल भाई, बाकी लोगों ने दोनों ने बहुत लॉजिकल आंसर दिया है, दोनों ने चेक कर लो। सही है। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई, आप लोग क्या बोल रहे थे? हाँ अरे भाई कौशल्या पता क्या कह रही है, क्या केमिस्ट्री इक्वल्स टू फिजिक्स, मतलब बराबर चल रहा है, -1 बायोलॉजी, ये कब हार गई मैडम? अरे उसने गलती से बीच में लगा दिया इक्वल टू, फिर से अच्छा भाई तीनों कैसे -1 होंगे, कोई तो जीत रहा है ना, मैं जीत रहा हूँ भाई, चलो आ जाओ कोई नहीं, मेलोडी गर्ल आ गए आखिरकार, वही रीड कर रही थी, ये जो आधी मेलोडी वाली आ गई है सर, मेलोडी गर्ल आ चुकी है। अब एक मेलोडी गर्ल के आते ही एक घोषणा हो जाए कि जो जीतेगा वो मेलोडी पार्टी देगा, और इसलिए मुझे हारने से कोई दिक्कत नहीं है। बस पायल जी कैसे हैं? बढ़िया। मेलोडी बिल्ली जी, हाँ मेलोडी जीतेंगे भाई, जीतेंगे। चलिए अरे भाई अपने वाले कहाँ गए सारे, जल्दी आ जाओ, ये लो आज फिजिक्स क्लासेस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चंस लेके आए हो ये आज हम नहीं बताएंगे, कल हम लोग फंस गए थे इस बात पे। चलो ऐसा हो गया, चले इसमें फंसा दिया। अरे गजब भाई गजब, मेघा विश्वास थी शायद, उसने फंसा दिया। अब सवाल किसका होगा? केमिस्ट्री का होगा, केमिस्ट्री हेमंत सर आई है, फिर क्वेश्चन अभी बायो आई थी मैम, ये चलो ठीक है, अब उसके बाद केमिस्ट्री आने वाली है, जल्दी आ जाइए सर। फोन नहीं उनकी तबीयत खराब नहीं है बेटा, अभी सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखिए, आशुतोष सर के भी आएंगे, मिलाएंगे उनको भी किसी दिन, फ्रेम में चारों को होना जरूरी है, आ जाएंगे। चलिए आपका ये केमिस्ट्री अच्छा आ गया, आ जाओ भाई यार, ये सारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट लाइन है ना, वो देख के लगता है ये क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, है ना, लग रहा है मेटल हीटिंग, हाँ लग रहा है। द अदर एंड गेट्स हॉट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, भाई ऑप्शन तो मतलब दिए आपने ऐसे कि मतलब फिजिक्स पे ही लोड आ जाए, फिजिक्स पे ही लोड आ जाए। अरे फिजिक्स भाई ऐसा है उसको लोड की जरूरत नहीं होती, दूसरों को लोड देता है यार, वो दूसरों को लोड देता है, खुद लोड नहीं लेता है कभी। व्हाइल हीटिंग वन एंड ऑफ अ मेटल प्लेट द अदर एंड गेट्स हॉट बिकॉज वो हीट जो है वो ट्रैवल कर जाती है, क्या है? नहीं पायल जी बिल्कुल नहीं बोले, इंडक्शन में तो नहीं करती सर अरे भाई आप इतनी जल्दी क्यों होती है यार? इंडक्शन की बात ही नहीं है ना। अरे जल्दी क्यों? क्योंकि सवाल फेस का है, ये मेरे को पता है। इसमें मैं गलती कर दिया अगर तो समझ लो क्या हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। अरे सर मैं थोड़ा वो अपना चूल्हा चौका लेके आ जाऊं यहाँ पे। वो अपन कुछ भी खाना वाना बनाते हैं, वो चम्मच गर्म हो जाती है ना ऊपर तक, है और इंडक्शन पे करो नहीं होती। सर अभी सर को पकड़ेंगे अपन इस चीज के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, रेजिस्टेंस से फ्लो ही नहीं करेगा उसकी वजह से। तो अरे स्टाइलस दे। नहीं क्या इंडक्शन पे नहीं होती मैम? मतलब हाँ, इंडक्शन पे जब आप कुकिंग करती हो तो स्पून वगैरह जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है वो गर्म नहीं होता। ये मैकेनिज्म में सर को पकड़ लेंगे अभी अपन। अब जाना पड़ेगा किचन में आज। नहीं बनाते हैं मैगी। अगर आप सुनिए, इंडक्शन पे अगर अपन ने एल्यूमिनियम का रखा, एल्यूमिनियम चलता ही नहीं उस पर। चलता है बेस, उसको इंसुलेटेड कर देंगे, जो बेस है वो चलता है ना। अरे बाद में घर घर खेल लेंगे भाई, पहले क्वेश्चन देख लो यार। अरे यार मैगी बनवानी है, बन सकता है यार मैगी बाय हीटिंग। अभी ये कंफ्यूज करने के लिए बीच में पता है क्या कर रहे हैं, टोक लगा रहे हैं। नहीं सर मैं तो आपकी साइड लगवाइए। किसकी लंका लगा रहे हैं अपन? तो है ही एसपी मोबिलिटी ऑफ आइटम्स। नहीं एनर्जाइज्ड, ये मेरे को पता है यार। अरे गजब। अरे भाई पता है कर जाएंगे, मैंने बोला था सर वो मूव कर जाएगा। कुछ तो मूव करेगा ना, तभी तो उसको जाके हीट करेगा वो। कुछ तो मूव करेगा। आप क्या मूव करेगा? डोंट नो सर क्या मूव करेगा। ये कौन सी बात है? एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे ना। व्हाइल हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल प्लेट, द अदर एंड गेट्स हॉट बिकॉज बाय एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द अदर एंड। अदर एंड पूछा है ना, अदर एंड तक हीट पहुंच रही है। माइनर, ये माइनर वाइनर तो मैम ये गलत है, ये वर्ड ही गलत है। ये वर्ड ही मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये वर्ड ही पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये कौन टाइप का वर्ड है? एटम की मोबिलिटी है ना आपको। ये मैंने पहले काट दिया था और ये अपने को पसंद वैसे भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कुल मिला के हम पूरे गहन चिंतन के बाद इस निर्णय पे पहुंचे। नहीं एक सेकंड, इतना नहीं बोलेंगे क्या गलत होगा तो छोड़ रहती है बाद में। बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा अनुमान है, डिप्लोमैटिक आंसर्स हमारा अनुमान है कि जैसा हेमंत सर सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो ये वर्ड तो शायद ऐसे ही डाल दिया मजे लेने के लिए। ये वैसे ही पसंद नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस ये मुझे भी नहीं लग रहा। मोबिलिटी तो मैम ने मना कर दिया और वो मेरे को पता है मोबिलिटी वाला कहाँ पे गेस होता है। अदर एंड तक पहुंचना है भाई, ऑप्शन सी आप सोचते नहीं। अदर एंड तक पहुंचना है तो मूव करेगा, बात खत्म भाई। बाकी लोग क्या बोले चेक कर लेंगे हेमंत सर एक बार, या आप ही फोन रखोगे? मैं बोला मिला दो स्टूडियो करा दो आप पूरा, है ना? इतना मजा आया। अभी क्या प्रेशर बता गया था भाई मेरे को, ऐसे यहाँ वहाँ सारे कैमरामैन ना ऑप्शन 2 बता रहे थे। जल्दी तो नहीं है सर जाने की मेरे को। हाँ सही पकड़े, कहाँ जाना भाई? चलो ऑप्शन हो गया भाई, सही बोले एकदम। इस वाले क्वेश्चन में सर ने दिल भी नहीं बनाया। सर्कल पे भाई बन गया, सर्कल पे आ गए सर। वो देखो कहाँ है सर आपका दिल? अच्छा ये ठीक है, ओके चल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन तो। मतलब अरे छठी सातवीं आठवीं का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। कितनी गंदी बात है, कितना ये कहाँ आता है छठी में? अब वो नहीं आता, ये तो आता है। अरे तो छठी में आया था। इनके आंसर नहीं थे जो खतरनाक दिए हुए थे। अरे इनके ऑप्शंस बहुत लॉजिकल है भाई, वो लॉजिकल सच मैंने खेला है ना, मुझे पता है भाई फिर क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा दिक्कत है। चलो चलिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो 6 और पहली बार मोबिलिटी ऑफ एटम दिया था। पॉसिबल ही नहीं है एटम मूव करेगा। मैंने क्या होता है ये, मैंने भी जब पहली बार क्वेश्चन देखा था मैं थोड़ा इसकी तरफ गया था कि, लेकिन बाद में समझ में आया अरे एटम लिखा है भाई, यार गलती हो रही है। सारे कैमरामैन कह रहे हैं ऑप्शन 2 सारे। थैंक यू कौशल्या जी। ओके रेडी, अब आ जाओ अगले वाले पे। आ जाओ हाँ जी सर, लाइए सर प्रतीक सर फोन दे दीजिए। अच्छा मेरा क्वेश्चन है क्या? आप ही कह सर, आ जाइए दोनों आ जाइए भाई। डू ब्लाइंड पीपल ड्रीम इन? सपने तो आते होंगे, सपने तो आते होंगे भाई। सपने को कौन रोक चुका है? जल्दी बताओ। सूखा है सूखा सपना था क्या? सूखा सपना क्या कर रहे हो? कौन सा सपना होता है भाई? क्या पता, रोक सूखा है। गीला भी होता है क्या कुछ? रोक सूखा है क्यों? चलो गीला सपना भी होता है क्या कुछ? डू ब्लाइंड पीपल डू? भाई यार मेरी बात तो सुनो भाई, सपने पे तो भाई आंखों का ऐसा कोई लेन देन है नहीं कि है आंखों का लेन देन नहीं, आंखें बंद होती है ना। एक सेकंड सर, हाँ वो विजुअल मेमोरीज नाम का कोई चीज नहीं सुनी आपने? अरे भाई सोच पे तो नहीं होता ना, तो सोचने की बात नहीं चल रही है। विजुअल मेमोरीज भाई साहब, आप कुछ देखोगे तभी आप उस विजुअल मेमोरी को स्टोर करोगे, फिर उस विजुअल सोचने पे भी तो काम हो सकता है ना। कंफ्यूज करने का है नहीं भाई, जरूरी नहीं है। पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मैडम देंगे एक मिनट पेन? बिल्कुल ले लीजिए सर। आंसर बताइए। Do blind people dream in visual images? भाई yes, not possible in any case। अच्छा ये बताओ सपने आते कैसे हैं? Some case तो कैसे आते हैं? जल्दी बताओ। ये तो मुझे पहले से गलत लग रहा है। बहुत सही क्वेश्चन है। भाई ये किधर है फिर तो? Option C। ये C अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है। भाई अपन खेल रहे हैं एलिमिनेशन पे। हाँ अपन हम और वही तरीका होता है। वही तरीका होता है। भाई आप बता दीजिए मैम। बता दे सर। हाँ बिल्कुल। अंशिका मजा आ रहा है। हम इतना समय नहीं लेते। भाई आने दो, आता रहेगा। आने दो। एलिमिनेट करो आगे बढ़ो। तो सर पता नहीं कौन सा लॉजिक आपने इसके पीछे लगाया। बताओ कौन सा लगाया। हाँ बताइए सर। वो ये कि मतलब नहीं पता, आप बताओ, देख लो अपने हिसाब से आप। तो सर आंसर तो यही करेक्ट है। आया है ऑप्शन सी कि कोई भी केस हो। अच्छा यहाँ पर केस की बात क्यों हुई है सर? ये केस की बात इसलिए हुई है कि हाँ। आप ये भी बोल सकते थे ना कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो पहले देख सकता था लेकिन वो बाद में ब्लाइंड हुआ किसी एक्सीडेंट की वजह से। हाँ। अब उसकी विजुअल मेमोरीज तो स्टोर हो गई, उनके बेसिस पर उसने ड्रीमिंग की। अच्छा, तो अगर कोई अगर बचपन से ही अगर हाँ फिर तब भी वो ड्रीम्स देख सकता है। यही तो इसका आंसर है, यही फैक्ट है। उसके पास तो मेमोरी है नहीं ना, विजुअल मेमोरी। बस यही फैक्ट है, सबको यही लगता है, इसीलिए ये वाले आंसर्स पे मैक्सिमम लोग जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी आंसर पे जाते हैं कि विजुअल मेमोरीज नहीं आएंगी तब तक, मतलब ड्रीम्स नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रीम्स कभी-कभी भाई अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो भी चीज भी तो थोड़ा स्टोर होती है। अच्छा हाँ, थॉट प्रोसेस से भी तो काम होता है। सारी चीजों की वजह से ड्रीम्स तब भी आते हैं, हर केस में आते हैं। चाहे वो माइंड इमेज प्रोसेस का होता है। एग्जैक्टली, ये लॉजिक होता होगा है ना, थॉट प्रोसेस के बेसिस। चले मेरा फोन दे दिया जाए। चलिए ठीक है, तो जाना एक और नया फैक्ट। चले भाई चले, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े हम। बढ़ो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। सोनम कह रही है मुझे तो ड्रीम्स देखने ही नहीं है। अरे देखो यार, देखोगे नहीं तो पूरे कैसे करोगे? उनको फ्रेश केमिस्ट्री दिखती है इसलिए उनको देखना ही नहीं है। हाँ चलिए आगे बताइए सर, क्या करना है? आ जाइए मैम पहले वाले इस वाले क्वेश्चन पे, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। अच्छा ओ बाप रे, इतनी ईमानदारी बार-बार आ रही है। लो यार ये आ गया कौन मैं हेल्प कर दूंगा एक छोटी सी। प्लेन वाला अच्छा चल रहा था यार। मैं एक हेल्प कर रहा हूं। अब फॉर्मूला जैसे मुझे किसी ने फॉर्मूला बताया नहीं, प्लस आएगा भाई, इसको भूलना मत। लेंस की मिरर है भाई, मिरर है ना, प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होती है। नहीं वो लेंस का और मिरर का अपोजिट चलता है, बस लेंस में माइनस होता है। आपने माइनस बोला था। अरे तो उनसे गलती होगी ना, लेंस और मिरर का अपोजिट चलता है, उनसे गलती होगी। चलो ये रहा भाई साहब। भाई जल्दी बताओ तुम लोग, क्या तुम्हें लग रहा है? चलो तुम तो भाई सॉल्व कर लो यार, जल्दी सॉल्व करो। 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f की वैल्यू पता चल गई सर। और क्या पता है यहाँ पर अपन को? सबसे पहले तो अपन गिवन ढूंढते हैं सर। हमने शर्मा जी राधे राधे, गिवन शर्मा जी आ गए ना आपके, वो बोल भी रहे हैं। इकलौता तरीका आता है सॉल्व करने का, सारे गिवन ढूंढ लो। हाँ फिर उनके उनका सिंबल निकाल लो और जो पूछा गया है उसका सिंबल निकाल लो, और फिर दोनों के बीच में अगर कोई फॉर्मूला पता है तो उसको लगा दो और आंसर निकाल लो। अरे सपने वाली बात हुई थी और हिमांशु बोल रहे हैं हेमंत सर देखते हैं शादी के सपने। क्या है ये, शादी के पीछे क्यों पड़े हुए? सुप्रिया पटेल, प्रतीक सर मैं आपके साइड हूँ बेटा, अभी तो क्या अपन ही जीत रहे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, जल्दी आ जाओ जल्दी। हेल्प करूं क्या? क्या किसी को लग रहा है कि इन लोगों से नहीं हो पाएगा? अरे राम राम नीता चौबे जी, राम राम। ये और भाई क्या बात है, गलत हो गया कोई बात नहीं, समझ आता। अरे ये बहुत स्पेशल केस पर बेस्ड है। एक और बार एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। अब भाई मेरे को एक तो ये समझ में नहीं, सही बात है यही कॉनकेव है, बहुत बढ़िया ये है। लेकिन पॉलिश किस साइड है ये कंफ्यूजन है। अरे उस तरफ राइट में पॉलिश है। ठीक है चलिए सर, वो तो है ना जिसकी केव का मतलब होता है गुफा, जहां पर अगर गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। लाइट यहां से आ रही है, फोकल लेंथ अपन लेट सपोज यहां पर मान लेते हैं, फोकल लेंथ कितनी दी है 20। प्रतीक सर आपके सभी फैंस चाहते हैं कि आप ही जीतो। अरे जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। क्यों? हाँ ये एक रूल होता था ना, बिल्कुल फोकल लेंथ अगर पीछे है तो इमेज वहां पर शायद फोकल लेंथ के पीछे वो बन जाएगी, इधर ही बनेगी सर। करो लाइव में इधर ही बनेगी सर। अरे यार सभी उड़ा दो, बनी नहीं गायब ही गलती है नहीं ये ठीक है मैम, ये इधर ही बनेगी। एक चीज और होती है ना कि अगर ये जो अपना रहता है ये लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव लेके चलते हैं अपन। बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। फोकल लेंथ को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, नहीं फोकल लेंथ नापी कहां जाती है, वो भी तो उल्टी नाप रहे हैं अपन। करो भाई जल्दी करो। हेमंत सर पूरा कैलकुलेशन लगा रहे। अपन को तो पता है अपन को एलिमिनेशन लगाना है, अपन को कैलकुलेशन करना ही नहीं है। पोजीशन ऑफ द इमेज नहीं यार, वो तो हो जाएगा लेकिन कैलकुलेट। हां 40 सेंटीमीटर भाई, क्या बात। सब लोग का आंसर तो आ चुका है यार। रिया मिश्रा जी आपका आंसर बहुत शानदार सा आ रहा है। आप बस इतना याद रखना कि मैंने बोर्ड पे बस एक ही चीज की है और वो है ये। कौन सा? बस लाइन बनाई आपने। व्हाट इज दिस ट्राइटिसियम? डायरेक्शन बस मैंने बता लिया कि इमेज किधर बननी है। ट्राइटिसियम हो गया ये तो। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। इन्फिनिटी तो नहीं है इसके केस में, इन्फिनिटी वाला केस नहीं होता है। फोकस भी नहीं है और फोकस पे है नहीं, वो वाली बात तो खत्म होगी ना, वो वाला केस तो। ये दोनों बच्चे सर, अरे भाई मुझे पता है ये फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है भाई साहब। क्या बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो ऑप्शन बी कर दे फिर, फ्रंट में। अरे यार ऑप्शन बी कर दे फिर। हाँ नहीं नहीं ये करेंगे ना, ये करेंगे ना। बिहाइंड नहीं सर, फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो फ्रंट है ना, यही आएगा ना भाई। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरे को याद है, बिल्कुल याद है मेरे को। हमारे बच्चे सारे पढ़े पढ़ाए हैं भाई। क्या बस इतना भैया ये होगा एक बननी है, बात खत्म। अरे कलर चेंज करो। अरे वो नहीं पड़ गया शायद। ए सब कह रहे हैं ए वाला ऑप्शन। चले रेडी भाई जल्दी करते हैं इसको। सर सही था ना वो तीन रूल्स में अपना कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वापस जस्ट उसके नीचे बनती है, जस्ट अपोजिट। हां जस्ट अपोजिट इनवर्टेड बनती है। बहुत जबरदस्त भाई। भाई मतलब बायो को अपन हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ लॉजिकल आंसर आ रहा है। ठीक है हाँ चले ओके। अब आ जाओ मैम जल्दी आ जाओ, अपने वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। चले बताइए सर क्या करना है अब। अगले वाले पे आना है, निपटाएं इसको। आते हैं आ जाइए आप। अरे चलिए सर चलो रुको भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या कमेंट कर रहे हैं? हाँ भाई तुम कमेंट चेक सब चेक कर लो। चलिए 1 मिनट बस 1 मिनट। हाँ क्या हो गया सर इसको? अरे सिस्टम हमारा हैंग हो गया आज, बहुत ज्यादा बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हाँ आराम से चलो भाई, बाकी लोग बताओ। चलिए भैया नारे लग रहे हैं। हमारी मैम कैसी हो, मुस्कान मैम जैसी। चलो चलो नारे क्यों लगा रहे हो यार, आ जाइए। चलिए फटाफट करिए, ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आराम से क्वेश्चन है। ये लॉजिकल है? हाँ लॉजिकल है। लॉजिकल क्या, कैलकुलेशन बेस्ड है बस। ये लीजिए सर, ईमानदारी देख रहे हैं सर अपनी, बहुत ज्यादा ईमानदारी। रिएक्शन ए प्लस 2b फोन भैया बच्चे लोग से आंसर चाहिए। ए फॉर आत्मा बाय आर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कैप्ट कांस्टेंट व्हाइल दैट ऑफ बी इज डबल्ड। वो तो दिख ही रहा है ए को कांस्टेंट। बच्चों को आ रहा है क्या आंसर? बच्चों को आ रहा है क्या आंसर? वो आएगा ना सर, बच्चे अभी बोलेंगे बस। जस्ट जल्दी बच्चे आंसर देना शुरू करें, पर मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं फॉर द रिएक्शन। मेलोडी ये चीटिंग थी। द रेट लॉ इज गिवन बाय। चलो भैया आंसर आ गया बच्चों के, बताइए सर हम क्या समझ बस मत मारो। अरे यार फिजिक्स में एक चीज होती है एरर्स में। साइलेंस दो 1 सेकंड सर। अब हाँ प्रकट जी बिल्कुल कौशल्या जी, करना बनता था। x की पावर m का जब एरर निकालते थे ना तो अरे यार सर, राधे राधे नीता जी। यार ऐसा एक फंडा होता था पता है क्या, पावर नीचे आ जाएगा सर। इतना नहीं जाना है फिजिक्स में, नहीं जाना, इतना नहीं जाना है। द रेट लॉ इज, ये सिंपल अपन को इक्वेशन दी हुई है और अपन को बस ये जो इन्होंने यहां पर जो भी इसके साथ छेड़खानी की है उसको a का कोएफिशिएंट 1 है। इन्होंने बोला है कि a को कांस्टेंट रखा है और बी को डबल किया है, बस इस पे ध्यान देना है। ए का कोएफिशिएंट 1 था ठीक है, और बी को कर दिया है डबल। वेरी गुड अनिल सिंह, आंसर कामिनी जी। बी को कर दिया है यादव, तो 2 पहले से था। अगर इसका डबल करेंगे नहीं क्योंकि क्या है ए का। बहुत बढ़िया पायल जी, बढ़िया आंसर है। आंसर है 2 था और इसको डबल कर दिया है, तो 2 का डबल करेंगे और क्या यार। हाँ नीता जी अपन ही जीतेंगे, बाकी तो मेलोडी गर्ल सोनम रानी जी बहुत बढ़िया है ना सर। कैसा लग रहा है कि ये तो है ही नहीं। अच्छा ऐसा लग रहा है क्या आपको? तो बोल्ड करके लिखा हुआ है उसको मैम, वो नॉर्मली लिखा है। नॉर्मली लिखा है भाई यार, बोल्ड है सर। नॉर्मल थोड़ा बहुत हो गया लेकिन नॉर्मल है मैम। अब भाई वो लिखने वाले की गलती है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ऐसा फंडा कुछ है क्या, ए का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर है, बी का था 2। मैं बस इतना बोलूंगा थोड़ा सा सही जा रहे हो, तो डबल तो किया ही हुआ है ना सर। 4 ही है फिर, तो डबल भी ऑप्शन में है क्या? 4 तो है, डबल है ना सर ऑप्शन में। अरे यार बिकम्स ये वैसा नहीं है, नहीं है क्या वैसा? वैसा याद आया कुछ आपका? एक रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन होता है किसमें अपना चैप्टर नंबर 3 में लेंथ डबल होती है, एरिया हाफ हो जाता है, तो आप उसी फॉर्मूले में उसको पुट अप करके बना लेते हो। हां ये पैसे डबल, लेकिन वो नहीं वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, रेट लॉ यूज करिए बगल वाला। हां तो इसकी पावर भी तो 2 ही तो है। हां बस इसको यूज कर लीजिए भाई, फिर 2 2 सा 4 ही होता है यार। अब वो सिंपल सी बात है, वही वाली चीज है। क्वाड्रपल ना, क्वाड्रपल लग रहा है। अब चेक करो, रेट दे दिया r k, हां ए और क्या हो गया बी का स्क्वायर। अब उसने बोला भैया बी को क्या कर लिया अपन ने, ट्वाइस कर लिया, ट्वाइस कर लिया, तो नया आर आ जाएगा, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए और यहाँ पर हो जाएगा 2b का स्क्वायर। 4 बाहर कर लेंगे और इसको अपन क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। रेट लॉ वाला पूरा आ जाएगा। मेरा लॉजिक लेकिन था, लॉजिक था भैया, लॉजिक था भाई मेरा। डी फॉर ढोलकपुर। जी बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भैया, वेरी गुड भाई, तालियां तो बनती यार भाई। सोचा मैंने बहुत शानदार, लेकिन प्रतीक सर जिंदाबाद। सोचा मैंने बहुत शानदार। कौशल्य के लिए मैम ने भी सॉल्व कर दिया। कब मैम ने कब? ये भी बात है। अच्छा कर दिया, ये भी बात है। अच्छा वो नहीं, ऐसा नहीं बोलना, कर दिया। चले अगला, सेलेक्ट द मटेरियल्स व्हिच आर बोथ मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन बायो का है और ये मैं बता दूं, व्हिच आर बोथ मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। कौन तो रख दीजिए सर, ईमानदारी थोड़ी। अच्छा ओके okay. ये क्वेश्चन बायो का है क्या? हाँ सर बायो का है। ऑप्शन सारे केमिस्ट्री वाले नहीं मिनरल्स भी है और एलिमेंट भी है। हेमंत सर तो बता ही देंगे। डायमंड कहाँ से मिनरल होता है? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये सारे ऑप्शन तो ऐसा है, सारे ऑप्शन केमिस्ट्री के भाई। इन दोनों में तो चांस लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड फोर्थ में ही लग रहा है मेरे को नहीं आता, क्योंकि भाई बात ये है कि हीलियम भैया नॉन रिएक्टिव गैस है, रिएक्ट ही नहीं करती है, पहली बात तो इनर्ट गैस है। और फिर लेकिन डायमंड जो है, डायमंड मिनरल ये भी हो सकता है, डायमंड मिनरल हो सकता है यार, इसमें ये नहीं ये बताना है, हो सकता है नहीं बताना, वैरायटी बहुत है, लेकिन हीलियम। सेलेक्ट द मटेरियल्स व्हिच आर बोथ मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यार, बता दो यार जल्दी से, अपन ने अपने पाले में ले लिया इसको। ऐसा फीलिंग आ रही है। क्या बता रहे हो स्टूडेंट? सोनम रानी कहाँ गई? मेलोडी गर्ल क्या लगता है? आयरन तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन के मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। हाँ तो फिर यही तो पूछा है, मिनरल होते हैं नहीं। खैर मैं क्यों बता रही हूँ, वो अलग होते हैं, अलग वो अलग होते हैं। एक सेकेंड, आयरन कभी भी मिनरल में नहीं आता, उसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसको मिनरल में नहीं, वो एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है एक सेकेंड, आयरन इज अ मिनरल। हमारी बॉडी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट में आयरन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है। अरे हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है और उसके साथ और भी चीजें होती है, अकेला व्यक्ति नहीं होता है, और भी चीजें होती है, पर आयरन तो होता है ना, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आयरन नहीं है। अरे तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, पर तो कॉम्प्लेक्स अकेले से नहीं बनता है तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? वो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने ये जो बोला डायमंड का, हाँ। मेरे को बस यही डाउट लग रहा है कि ये नहीं तो ये क्यों लग रहा है? ये कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। डायमंड वाला, अच्छा वो ये डायमंड वाला, तो इसका ऑप्शन डी वाला जो होगा डायमंड होगा। डी फॉर ढोकला, डायमंड। डी फॉर ढोकला, डी फॉर डायमंड, डी फॉर ढोकला। भाई क्या बोलो तुम लोग, जल्दी बताओ। तो मेरी तरफ से सबको भंडारा होगा, अगर हेमंत सर या प्रतीक सर जीतेंगे तो सबको भंडारा होगा। कौन बोला? ये बोला नीता चौबे बोली। चलिए सर बेटा भंडारा कहाँ होगा ये तो बता दो एक बार। जरा मैं बता देती हूँ कि ये जो दोनों सर ने मिलके आंसर दिया है ये करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन डी जल्दी बताइए मैम। करेक्ट आंसर है भाई, डायमंड ही है जो मिनरल भी है और एलिमेंट भी है। ठीक है ऐसा? आयरन लेकिन सर होता है मिनरल, लेकिन बस यहाँ पर मॉल्टन आयरन लिखा है इसलिए ये नहीं है। इसलिए समझ गए आप लोग रीजन, समझ गए क्या होता है? मॉल्टन आयरन वो मिनरल नहीं है। चलो भाई मान गए, वैसे वो तुक्का था मेरा, वो तो मैं मानता ही हूँ, तुक्के में दिया था सर। तुक्के आजकल बहुत सही जा रहे हैं, तुक्के सही जा रहे हैं, पूरा सेशन तुक्के में ड्रॉ हुआ है। चलिए सर आगे करते हैं। चलिए सिलेक्ट द मटेरियल्स व्हिच आर बोथ मिनरल्स। अरे तो हो गया ना, अगले वाले पे कूदेंगे जल्दी, बिल्कुल जल्दी। व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच अ पर्सन, ये आपका है सर? हाँ हाँ बिल्कुल मेरा सवाल है। ये ले लीजिए फोन दीजिए। What is the velocity with which a person of mass 60 kg? आ गया भाई सवाल। हाँ 60 kg। पिछली बार 20 बताया था मैंने आपको। वो बंदर था। अरे यार वो बंदर था, मैम बंदर था वो लटका रखा था जैसे आपने। हाँ। Will hit the ground if the person is falling from a height। अरे फिर गिरा दिया आपने। गिर गया वो। अरे यार, और वो तो क्यों लड़की गिराई है यार? अरे वो ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऐसा इंटेंशन नहीं था वो कुछ। बेचारे की हेयर स्टाइल खराब कर दी सर आपने। ऐसा इंटेंशन कुछ नहीं था। लाइव बहुत जल्दी होंगे फिजिक्स वाले सर। कब लाइव आएंगे बेटा? बहुत जल्दी आएंगे, पहले रिकॉर्डेड पे फोकस कर लो। अपन तो आ ही रहे हैं कल से। जी हाँ, आ ही रहे हैं लाइव कल से ही। तो ठीक है, तो क्या करना है? अरे डर से नहीं भर गए हेमंत सर। बताइए सर, आंसर तो बताइए। इसका आंसर आपको नहीं आ रहा? अच्छा, इतना सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है तो यार। मुझे लगा सर बता देंगे फ्लो में। वेलोसिटी निकालनी है जैसे एक पर्सन का। थैंक यू। ठीक है, मास दिया है सर 60 kg। क्या करूं अब मैं इसके साथ? अब निकालनी है वेलोसिटी। किस वेलोसिटी? एक हिंट दूं मैं आपको? बिल्कुल दे दीजिए। एक इक्वेशन होती है v² - u² = 2s। कभी सुना है आपने इसके बारे में? बिल्कुल सुना है सर। इसके अलावा दो और होती हैं। और गजब याद तो है आपको। ठीक है, अब क्या करूं मैं इसका? आज प्रतीक सर और हेमंत सर पूरे जोश के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। गुड गोइंग, थैंक्स अ लॉट। सर ऐसा है, संडे है, कैलकुलेट करने के मूड में तो अपन है नहीं। अपन लगाएंगे तुक्का। तुक्का, हां जी, ठीक है। एक मैं हिंट दूं क्या? अपन लगाएंगे डायरेक्टली तुक्का। इसको लिखा रहने देते हैं, देखने में अच्छा। हां बिल्कुल। लाइव लेक्चर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। इनवाइटेड हो भंडारा में? थैंक यू यार। अब हमारे नाम का भंडारा है भाई, तो हम तो होंगे इनवाइटेड। भंडारा हो रहा है, चले चले सारे के सारे इनवाइटेड। आ जाओ। हां जी सर, क्या हिंट दे रहे थे आप? मैं हिंट दे रहा था कुछ नहीं। करो आप, ट्राई करो। एक बार आप ट्राई करो, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। देखो कैलकुलेट करने का मूड तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, संडे है, बढ़िया। अपन एक तो एक लड़की को देख के मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी की हेयर स्टाइल खराब हो गई। ठीक है, हाँ। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तुक्का। पानी पी रहे हैं भाई, पानी पी रही हूँ यहाँ पे तुक्का सर। वो पता है, चले तो अपन लगा रहे हैं सर यहाँ पे। ये वैल्यू तो कहीं देखी देखी लग रही है। कौन सी वाली? 4.9 नहीं, 9.8 नहीं, 4.9 कहीं देखा होगा। वो तो यही दिख रहा है। अरे यार सर, हवा कहीं देखा होगा। नहीं, 9.8 मैंने कहीं देखी हुई लग रही है। 9.8 उन्होंने कहीं देखा है, ऐसा वो कह रही है मैम। हाँ, और 9 कहीं देखते। हाँ भाई, तुक्का लगाने का भी स्टाइल होता है लेकिन। बहुत बढ़िया मैम, लगाओ तुक्का। पायल बोल रही है मैम लगाओ तुक्का, जय माता दी बोल के। जय माता दी ए तो पहले हो गया था, जय माता दी बी आप लगा देते हैं। हां लगा दिया, लगा दिया। कल वाले सेशन में भी अपन ने ऐसे ड्रॉ किया था भाई। ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी? ठीक है सर, लॉजिक तो लगा ही नहीं रही मैं तो तुक्का लगा रही हूँ। सही हो गया, सही है, बिल्कुल सटीक आंसर आ गया। अब तो मैं क्या ही बोलूं, तुक्के कैसे सही जाते हैं? ये जाते हैं अधूरे ज्ञान से हमारे। अधूरे ज्ञान से कहीं जी देख लिया था आप लोगों ने? नहीं, वो जो अधूरा, हाँ ये जी की देखा। मैं कह रही थी मैंने कहीं तो देखी है ये वैल्यू। मैं कह रही थी मैंने कहीं तो देखी है। अरे मैम से हो जाएगा फिर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है? अरे नहीं सुप्रिया, बोलो। हाँ, अधूरा जो याद रहता है ना अपन को, बहुत दिन हो जाते हैं पढ़े हुए, इसीलिए तो सर लोग बोलते हैं आपसे, मैं भी बोलती हूँ रिवाइज करते रहो वरना भूल जाओगे। और मैं उसको बोलता हूँ नीम हकीम खतरा है जान। एक हाँ, इसका मतलब होता है। एक सेकंड सर, फिर से मैं नहीं बोलूंगा। नीम हकीम खतरा है जान। उसमें ऐसा होता है कि कम आधा नॉलेज जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। अरे उसको हम लोग सीधी साफ भाषा में बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। या तो आपको बिल्कुल ना पता हो, या फिर आपको पूरा पता हो। आधा पता है तो फिर बात खराब हो जाती है। चले ओके डन। चलिए सर, ये तो हो गया, ये हो गया फिजिक्स वाला। ये 9.8 अपनी जी की वैल्यू थी ना, स्मॉल वाली जी की वैल्यू, स्मॉल जी की। बिल्कुल। अरे पढ़ के आए आप, रिवाइज करके आए आप। चलो भाई, केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें तो मैंगो है, मैंगी फेराइंडी का। क्या आम बोलते हैं ना इसको? तो क्या बोलते हैं? मैंगी फेराइंडी का। मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है ओके। मैं फोन क्यों नहीं यूज करती हूं यार। मैं भूल जाती हूं बार-बार कि इसे भी यूज करना होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल फ्लेवर्स बिकॉज़ क्या हो सकता है इसका? यार क्या सवाल है। हाँ सर, क्या करना है इसका? एक अनराइप मैंगो को। अरे ये तो अपना बायो वाला ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन वाला है सर। पक्का? हाँ श्योर है आप? एक अनराइप मैंगो को प्लेस किया है कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में पिकल बनाने के लिए, और वो श्रिवल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि हाँ, कोई चीज श्रिंक कब होती है? जब वो अपने अंदर से क्या कर देती है, चीजों को बाहर रिलीज कर देती है, तभी वो श्रिंक होती है। गुड। तो इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो क्या रिवर्स ऑस्मोसिस? लूजेस वाटर ड्यू टू, ये रिवर्स का फंडा लगा दिया ना यार इनने। अब इसके अंदर नॉर्मल रखते क्या? इट लूजेस वाटर, लेकिन हो क्या रहा है? श्रिंक हो रही है ना, श्रिवल हो रही है। अरे तो सर लूजेस में भी आपके पास दो फंडे आ गए ना, रिवर्स भी और नॉर्मल भी। अगर लूज करके रिवर्स जा रहा है तो फिर वो गेन हो गया ना, नहीं होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से वो लूज कर रहा है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इतना लंबा कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, ये दिक्कत है ना, इस पे जाते हैं। ये सिंपल लग रहा है, मतलब देख के सिंपल लग रहा है। यहाँ पे दो कंफ्यूज किया है, फंडा क्यों लगा दिया बताओ भाई? अपन तो देख सकते हैं। नहीं मैं, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा ना ईमानदारी मेंटेन करने का। अरे सर तो ये कैसे ट्राई कर रहे हैं? मैं ट्राई कर रहा था यार। ये कैसे ट्राई कर रहे हैं? मैं एक बार देख तो लूं क्या? आप खुद देख के ट्राई कर रहे हैं? नहीं, मैं आंसर देख ही नहीं रहा। बच्चे आंसर भी करेंगे नहीं, बच्चे अभी आंसर नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, जय जयकार यार, बिल्कुल जय जयकार। आंसर करने दो सर, पता बच्चे अभी हमसे बात कर रहे हैं। एक अनराइप मैंगो तो फिर नहीं, अभी मैं भी बात करती हूँ। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपको लगे, लेकिन भाई कोई भी ऑप्शन मत बताना बिल्कुल। चलो रेडी। अरे वो बी फॉर बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। अभी नहीं मैम, क्या लगता है करें इसको सॉल्व? निपटा दें इसको। मेलोडी कल कह रही है हेमंत सर के बाबू का कॉल आ गया। हेमंत सर के बाबू का कॉल आया उनको बेचारों को। चलो ठीक है। प्लीज देना, आधे करते हो तुम लोग। श्रिवल्स बिकॉज क्या करें सर इसका? लगाएं तुक्का। जय माता दी है, जय माता दी बी। इस बार आप लगा दो, लगा दे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको आइडिया है ना ऑस्मोसिस का। अब आप ये टर्म्स यूज कर रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी मेरे को तो लग रहा है। जैसा आपको, आपको क्या लग रहा है? सिंपल पे जाए। मुझे तो लग रहा है यार ऑप्शन डी के, मेरे को नहीं पता क्या करें सर। आप लोग क्या बोलते हो? ये बोल रहे हैं ए बी सी डी, चारों लगा दो। अबे चारों कैसे लगा? ये कैसे होगा यार, हद है यार। चलो 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 को प्लेस किया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में पिकल बनाने के लिए। अरे यार अचार की बात में क्यों सर ने इतने विचार डाल दिए? क्या हाँ अचार देखा ही नहीं, अचार की बात में इतने विचार डाल दिए, खाने पे ध्यान नहीं जा रहा है। ओह ठीक है, श्रिवल्स बिकॉज क्या लगता है फिर मैम? इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। भाई ऐसा क्या? पक्का? मुझे भी वही लग रहा था ऑप्शन, मतलब ऐसा बच्चे भी कभी कभी गलत बोल देते हैं। ठीक है, डी लॉक किया है। डी पक्का? पक्का। कामिनी लोधी जी ने भी कह दिया है कि लग रहा है। सिंपल सिंपल पे जाना चाह रहे हैं सर। सिंपल डिंपल, सिंपल डिंपल। तो ये डिंपल डिंपल ड्यू टू ऑस्मोसिस, रिवर्स का फंडा अपनाते ही नहीं अपन तो, नॉर्मल ऑस्मोसिस पे जाते हैं, देखते हैं जनता। लेकिन लॉजिक लगाया इसमें मैंने, मतलब मेरे को लॉजिक लगाने पड़ गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या लॉजिक? मैं नहीं बताऊंगा, पर ऑप्शन डी है। जनता, जनता ने जिताया। ये तो जनता ने जिता दिया, जनता ने जिता दिया। चलो जनता ने जिता दिया। न्यू फोन है आपका ये? हाँ। बच्चे तो कह रहे हैं भाई सबने फोन ले रहे हैं, देख लेते हो यार तुम लोग। मैं भी लेके आता हूँ नया फोन यार, कितना देख लेता तुम लोग। डी फॉर डमडम, डी फॉर डमडम। 7 करोड़ मैं टेक्नो बोल रहा है। 7 करोड़ भाई इस क्वेश्चन में मिल जाए मेरे को। 10 करोड़। 10 का हो गया क्या आजकल? चले ये हाँ मैम, ये क्वेश्चन किसका है? लक्ष्मणिया डोनोवानी डमडम फीवर याद आ रहा है क्या तुम लोग? ये क्वेश्चन किसका है? बायो का है क्या? हाँ बायो का है, ये बायो का है। हाउ कैन वी अनलॉक द 90% ऑफ आवर ब्रेन दैट वी नेवर यूज? 90% जो है ब्रेन का, पर अपन आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि हम अपना 90% यूज इन सिर्फ 10%। मैंने एक मूवी देखी थी लूसी, उसमें वो था कि वो 10% जब यूज करती है ना तो उसको मोबाइल सिग्नल्स जो होते हैं ना, सिग्नल्स उसको दिखना शुरू हो जाते हैं 10% पे। 10% पे सोचो 90 करेगी तो क्या हो जाएगा, क्या पता। तो सोच नहीं पा रहा मैं, क्योंकि मैं तो 7% ही यूज कर पा रहा हूँ अभी। तो सोचिए सर कि 90 को अगर अनलॉक करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाउ कैन वी अनलॉक द 90%? बताओ भाई, अगर आप अपने दिमाग को पूरा 100% अनलॉक करना चाहते हो, देखो 10 तो करते ही यूज, 90 भी अनलॉक, मतलब पूरा 100% अनलॉक। समझे सर? बीइंग हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये तो बहुत ही एकदम हल्का आपने ऑप्शन दिया है, तो ये तो मेरे को लग रहा है अंशिका अपन जीत जाएंगे, टेंशन नहीं। 90% ऑफ द ब्रेन कैन नॉट बी यूज्ड, 90% ब्रेन कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा ऐसा क्या? ये नहीं पता मुझे। मैक्सिमम 70 इसके लिए पार्टी है, इसके लिए पार्टी भाई चाहिए, पार्टी सच में लोग देते नहीं पार्टी। मैक्सिमम 70% कैन नॉट बी, कैन बी यूज्ड बाय सम ब्रेन एक्सपर्ट्स। एक मेलोडी दे यार, मुझे लग रहा है पता है क्या, नर्व इंपल्स। ये आपने जो बायो के जो टर्म्स आपने यूज कर दिए, मैं मेलोडी लेके आती हूं, आप ये जो आपने बायो के जो टर्म्स आपने यूज कर दिए ना, उससे मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है यार, यहाँ पे क्या हो सकता है? मैं मेलोडी लेके आती हूँ, आप तुक्के लगाओ तब तक। बच्चों ने पार्टी मांग ली, अब तो मेलोडी ऐसा गया। ठीक है आ जाओ, आ जाओ हेमंत सर, आ जाओ। आ गए हेमंत सर। पता है बच्चे क्या कमेंट कर रहे थे? हाँ। कि सर के बाबू का कॉल आ गया। नहीं यार कॉल वैसा अर्जेंट था इसलिए सर चले गए, लेकिन थोड़ा ज्यादा अर्जेंट था। हाँ बाबू से भी ज्यादा अर्जेंट था, समझ रहे हो? बाबू से अर्जेंट कौन होता है सर? होता है, अब नहीं समझ रहे। अच्छा आपका बाबू अर्जेंट है, अब नहीं समझ रहे ही नहीं सर। तो आपको कैसे पता कि बाबू ज्यादा अर्जेंट है? आप ही के लेक्चर्स में सुना है सर। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्या है भाई ये बताइए सर? मुझे लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए हमें अनलॉक करना पड़ेगा 90%। हम सोच रहे हैं हम तो 7% पे थे, 90% कौन पहुंच रहा है? सर को कितनी हंसी आ रही है, 90% कौन जा रहा है? सर आपको वो मिथ नहीं पता या वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, सुना नहीं आपने वो भ्रांतियां कि हम सिर्फ अपना 10% ही यूज कर पाते हैं, मैक्सिमम 90 यूज नहीं कर पाते। 10 भी नहीं कर पाते मेरे ख्याल से। 10 भी नहीं कर पाते। सर ने एक मूवी बता दी कि उसमें वो 10% यूज कर लेती है, जब वो कर लेती है तो मोबाइल सिग्नल दिखने लग जाता है। पॉइंट आप समझ रहे हैं? हां कि ऐसा क्वेश्चन आ गया ये तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम। हां सर यूज कीजिए भाई ये सब गर्ल पावर, यस गर्ल पावर, नरो इंपल्स फॉलो। कुछ तो होगा ना बायोलॉजी के अंदर, नहीं होगा? सवाल बायो का है भाई, कुछ तो होगा बायोलॉजी के अंदर। अब ये वाला ऑप्शन मैक्सिमम 70% कैन बी यूज्ड बाय सम ब्रेन। कौन है ये ब्रेन एक्सपर्ट? कहां है? मैं तो नहीं हूं। कहां है? मैं तो नहीं हूं। वो पता ऐसा है क्या? अरे सर मैक्सिमम मैं तो नहीं हूं, बस बाकी आप देख लो। अपनी बात हो गई, ठीक है, फिर ये सही होता है। मेरी अपनी बात है, हो गया तो भाई ये गलत हो चुका है, तो ये ऑप्शन तो अपन हटा देते हैं। हां मिसप्रिंट हो गया और कुछ क्या लॉजिक लगा? लॉजिक नहीं, वो सही लॉजिक है। अरे समझ रहे हैं कुछ लोग, कौन है भाई, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बीइंग हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट भाई, ये तो एक बात है, लेकिन बायो के क्वेश्चन से मनोरंजन प्रॉपर हो रहा है। 90% ऑफ द ब्रेन, वो तो भाई सवाल ही लग रहा हो तो। और ये भी काटो, एलिमिनेशन, बायोलॉजी, नर्व इम्पल्स। यही उम्मीद है। हेमंत सर का कहना यह है कि ऑप्शन डी सही होगा। प्रतीक सर का, हेमंत सर का कहना ये गलत हो तो हेमंत सर हो कि ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अब एक बार भाई की बात मान लीजिए। मैं ना आपको पता है मैं कभी भी ब्रेक देती हूँ, कितना देती हूँ? 2 सेकंड। 2 सेकंड दिए मैंने, फाइनल करके बता दीजिए सर। 3, 2, 1, रेडी गो डन। ऑप्शन डी पे बजा दो यार, भाई यार 2 सेकंड है सर। अरे जो कि पूरा भी हो चुका है। सोचना है, कभी ना कभी तो होता ही है ना। नर्व इम्पल्स पक्का? अरे पक्का पक्का। जिम्मेदारी मैं ले लूं क्या? जिम्मेदारी मैं ले लूं क्या? ले लो जिम्मेदारी। अपन दोनों में भाई ने बोला है तो मानता, भाई भाई पे भरोसा करा जाता है। गलत हो गए तो गलत हो गए, हो गए है ना, लेकिन हम मानेंगे यही होगा क्योंकि बीइंग हेल्दी बहुत नॉर्मल लग रहा है। ऑल एस्पेक्ट वाली ये क्या होता है यार? ये तो हम भी है। हां हम यूज कर रहे हैं क्या? 7% ही होता है हमारा तो, मेरा 7.5 हो जाता है कभी-कभी। अरे लड़ो मत सर, लड़ो मत। ऑप्शन डी। डी पक्का? डी पक्का। मैं नहीं सुनना चाहता कुछ, मैं देखना नहीं चाहता। अच्छा थोड़ी है, सॉरी चलो। हां ठीक है, मैं देखना नहीं चाहता। क्या आया बेटा, क्या आया जल्दी बताओ? ऑप्शन आया कि नहीं आया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आया कि नहीं आया? नहीं आया भाई, मेरा तो ऐसा था नहीं। क्या रखा इन क्वेश्चंस में? आगे बढ़ते हैं। क्या रखा? इसको गायब किया जाए, इसको गायब किया जाए। ओके ठीक है, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 पीछे, स्क्रू गेज। कुछ नहीं, स्क्रू गेज आ गया। पीछे कीजिए सर, पीछे पीछे करना है। और नन ऑफ द अबव। ये हमारा जो खेल हुआ था अभी ये हुआ था भाई, क्यों कर रहे हो यार? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे तो कीजिए सर। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अब नहीं जाना मैम उस गली। कॉन्सेप्ट तो बताने दीजिए सर, पीछे तो कीजिए क्वेश्चन। चलिए मैम बताइए कॉन्सेप्ट आप। ये वाली जो मिथ है, ठीक है, ये वाली जो मिथ है ये फैली हुई है कि सबको लगता है कि सिर्फ 90% को अनलॉक करना है, 10% ही काम आता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप सारे एस्पेक्ट में हेल्दी हो, अब ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेंटली रिटार्डेड को भी आप इंक्लूड कर लो, अगर आप सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी हो तो आप अपना 100% यूज करते हो। ये पूरा का पूरा सिर्फ एक मिथ है। अभी आप क्या मेंटली रिटार्डेड दिख रहे हैं आपको? मैंने ये कहा सर कि अगर आप वो वाले केसेस को भी इंक्लूड कर लो जिनमें कुछ पर्सन दुनिया में मेंटली रिटार्डेड भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अपने में क्यों नहीं चल रहा है 90 पे? हो गया नहीं चल रहा है, चल रहा है, हो गया वहां हो गया। सब अपना पूरा ब्रेन ही यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मिथ है कि जो कहा जाता है कि बोर्ड नहीं चल रहा है। बोर्ड चल रहा है मैम, ऐसा कहा जाता है। बोर्ड का भी 90% ब्रेन नहीं चल रहा है, वो भी 7% वाला है। ये सिर्फ एक मिथ है कि आप 90 यूज नहीं कर सकते और 10 ही करते हो। ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर बन गई, अगर आप हां उस पर बन गई मिथ है सर, टोटली मिथ है, टोटली मिथ है। चलो आगे बढ़ो, टोटली मिथ बोल सकते हैं ना, कुछ नहीं बोल सकता। अगले वाले पे आते हैं। नहीं बोलने पे तो है। मिथ्स एंड फैक्ट्स का जब वर्सेस चलता है ना सर, कुछ नहीं बोल सकते। हाँ ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और आज के सारे क्वेश्चन फैक्चुअल है, मैंने पहले ही कहा था। ऐसा मतलब उन पे बात ही नहीं कर सकते, है तो है, है तो है, नहीं है तो नहीं। चलिए मेरा क्वेश्चन आ गया है, अब जल्दी करो ट्राई, जल्दी बताइए आप लोग भी। फाइंड ये लीजिए मेरा फोन मैम, दोनों ले लीजिए, आपका नया फोन भी दीजिए। हाउ डू वी फाइंड द रफ फोकल, रफ फोकल लेंथ क्या होती है सर? ये मैम लैब में होता था रफ फोकल लेंथ, मतलब कि अरे वो 1 सेकंड सर, करेक्ट नहीं है ना? हां करेक्ट है एकदम। अरे ये क्या है? वो जो अभी आपने बनाया था ऐसा रफ सरफेस, रफ सरफेस। ये दिल अगर टूटेगा तो भी प्लेन ही रहेगा, रफ कैसे हो जाएगा? सरफेस उसका रफ नहीं निकलेगा। नहीं वो बहुत प्यारा दिल था, करा जाए। आप लोग का क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी आइए। हाउ डू वी फाइंड द रफ फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस? बताओ भाई, बाकी लोग बताओ क्या लग रहा है? स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज वो ऐसा वो गोल गोल होता था सर, वो चक्री होती थी उसकी, स्फेरोमीटर होता था एक वो, और स्क्रू गॉज वो ऐसा होता था, ऐसे यू होता था। बहुत बढ़िया, सही बात है। अरे ऐसे ही तो होता था वो, स्क्रू गॉज अपना ऐसा और स्फेरोमीटर वो अपना ऐसा, वो ऐसे नोक निकली होती थी उसमें। कौशल्या जी कह रहे हैं क्या है पर इससे माइक्रोस्कोप का तो यूज होना नहीं है सर, और स्क्रू गॉज का यूज इसमें होना नहीं। तीसरा सर ने लगा दिया, मानना पड़ेगा। किसने बोला? मैं कह रही हूं ना, मैंने फिजिक्स लैब में सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनसे बहुत खेला है। खेला नहीं है, चुराए हैं। एक ही बात भाई, स्टोरी हमेशा याद रहती है। 1 2 3 4 हेमंत और प्रतीक सर की जय जयकार। बस बात भाई हो गया। लेकिन बट एक चीज है, क्या लगा आपको ऐसा? सर एक्सपेरिमेंट किए होंगे आपने ऑब्वियसली, इसलिए हो गया। माइक्रोस्कोप का तो चांस है नहीं। वो तो अपने में होता है। आई थिंक मेरे को थिकनेस वाला याद आ रहा है ना, वो थिकनेस जो वायर की निकालते थे वो। नन ऑफ द अबव तो है नहीं, तो भाई पेल देते हैं क्या? बीबीबी। चलो ठीक है, डन, ये वाला हो गया भाई। बाकी सबसे मस्त बात क्या है ना कि बाकी लोग का भी ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है? मतलब अपना इंटरेक्शन क्या है, ऐसा है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आया ना, आपका भी क्या आंसर आएगा वो भी चेक कर लिया जाएगा। सर मेरा भी, सर मेरा भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैम का फोन दे दीजिए भाई। चले आगे आगे आगे, अगले वाले पे आते हैं भाई जल्दी से। ये वाला तो हो गया सर जी, ये तो हो गया सर। आगे बढ़िए। विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन मिरर आ गया आपका आंसर, बहुत जबरदस्त, ठीक है? अब आ जाओ। फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। सर आ जाइए, आ जाइए हेमंत। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? अरे ब्लड सेल तो बायो का क्वेश्चन है सर, ब्लड सेल। अरे अरे यार सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक? ब्लड सेल्स कभी श्रिंक ही नहीं होते। ये ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन गलत तो नहीं बताएंगे ना। वो एक बीमारी हो जाती है मैम, क्या होती है? फिर वो श्रिंक हो जाते हैं तो गैप बन जाते हैं बीच में, है एनीमिया। सर क्या मतलब, आप एक तो बायोकेमिस्ट्री को मिला रहे हो। सर ये तो कल हो चुका था ना भाई, मुझे लग रहा है ऑप्शन बी होगा ना, ऑप्शन बी, क्योंकि आपने मेरा फोन लिया नहीं है तो ऑप्शन बी मेरे को लग रहा है। अरे सर मैंने, आपने मेरा फोन लिया नहीं, मैंने फोन रख दिया ईमानदारी से। सर ने नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मेरे को। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्या बोल रहे हैं मैम आप? हाँ क्या करना है सर, अब बताइए। ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑप्शन बी सर। देखो देखो भाई साहब, बाकी लोग बताओ क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है ऑप्शन ही गलत है। मुझे तो लग रहा है सर सारे ऑप्शन ही गलत है। कैसा लगा सर का मजाक? ये मजाक वाली क्वेश्चन होने वाला है। मैं तो कह रही हूँ सर, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे होंगे। जय माता दी, इधर तो रख दो। मैंने रख दिया सर ईमानदारी। कहाँ? फोन 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 रखना था क्या सर? जय माता दी ए और अगले में जय माता दी बी, बात खत्म। अच्छा भाई, पता है कब होता है? कब? जब इंसान चीटिंग करके आया है कि पता है अगला वाला बी आने वाला है, देख रहे हो? पहले वाले में लगा दो। चलो 1 2 3 गो। अरे यार तो मैं बोलता हूँ यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, क्या हुआ इसमें? सर मैंने बोल दिया। मैम बताइए, आप एग्री करते हैं? जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को आ गया है। तो वी आर रेडी हो रहा है। अब आप जानते हैं जो ब्लड सेल होता है उसके अंदर का कंसंट्रेशन होता है 0.9%। अच्छा यार चलो बताओ। NaCl का जो कंसंट्रेशन होता है 0.9% होता है, ठीक है? अब अगर अपन ने उसको ऐसे में डाला जिसमें कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड है, मतलब हाइपरटोनिक। ये क्या है? लो वाला हाइपरटोनिक। पर वो सर इसको पता है मैंने बच्चों को कैसे याद करवाया, अपन बोलते हाइपर मत हो, मतलब ऊपर मत चढ़ो। वही कि हाइपर मत हो तो मतलब ज्यादा। एक हाइप होता है और हाइपो मतलब आप में जाता है तो भैया वो क्या होता है कि बैलेंस करने की कोशिश करता है तो इसका पानी बाहर निकल जाता है। जब इसका पानी बाहर तो वो किशमिश का याद नहीं है, सिकुड़ जाती है। अच्छा सिकुड़ जाएगी, पानी डालो तो भूल जाती है। समझ गया। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलो अगले वाले पे आते हैं भाई, जरा क्लियर किया जाए इसको। चलिए सर अब आएगा किसका नेक्स्ट क्या आता है? State some morphological differences between monocots and dicots. प्रतीक सर तो है ही। हेमंत सर आ जाइए जरा। चले अच्छा, चलिए हेमंत सर जल्दी से। ऐसी बात है, हेमंत सर जल्दी से आ जाइए। 1 2 3 सर इज रेडी। अरे नहीं मैं रेडी पढ़ रहा हूँ बस। अरे नहीं रेडी मैं बता रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं 1 2 3 रेडी। चलिए हेमंत सर, सर वहाँ से कुछ नहीं करना है, मॉर्फोलॉजिकल मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। स्क्रीन पे आ जाइए सर, आपका भरोसा नहीं, आप चीटिंग ये ले लीजिए आपका हथियार। क्या हो सकता है इसका आंसर, अब वो चेक करना पड़ेगा। हाँ सर टिक करना। सर प्रतीक सर क्या कर रहे हैं? सर नहीं नहीं आप देंगे इसका आंसर, इसका आंसर हाँ ठीक है ऐसे। हाँ बताओ क्या हो सकता है भाई? मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी, बिकॉज ये सारे सही लग रहा है मुझे। पैरेलल ये अच्छा, टैप रूट भी होता है, ऑल ऑफ द अबव भाई इसका, बिकॉज हाँ सही था। क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? ऐसा हुआ था क्या? आप लोग खड़े हुए थे। अरे वो ब्लर हो गई होगी, कोई बात नहीं। अगर ये इंसान यहाँ से जाएगा तो वो बीच में तो ऐसा ऑब्वियसली ना, आपको स्क्रीन के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इतना क्या बवाल हो रहा है। अच्छा सही हो गया, वो तो हमें पता ही था सही होना ही था। हेमंत सर बाहर कहाँ चले जाते हैं? अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा भाई। बफी बन गए हो क्या? बफी कैसे समझा रहे हो आप? इंडिया टॉस जीत गया। वेरी गुड। अरे भाई स्कोर तो बताओ तुम लोग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अच्छा 15 मिनट बाकी है। आज न्यूजीलैंड से बदला लेना भाई 2019 का। आज में सबका बदला लेना। सर क्वेश्चन तो बताओ। अगले वाले पे बदला लेगा कौन? भेजल नहीं इंडिया इंडिया इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अरे करो भाई जल्दी करो। सर बताइए आ गया क्वेश्चन। मैं तो जा रही हूँ सर आपका। मैम आपका ही क्वेश्चन है आपको भी करना है। मैं तो जा रही हूँ सर आप कीजिए। अपन तो तुक्का लगाने के मूड में भाई। बाकी लोग का आंसर क्या आएगा? हेमंत सर लगाएंगे इसमें कैलकुलेशन और लास्ट में मैं सिर्फ लगाऊंगी तुक्का। प्रतीक सर छा गया। सुप्रिया जी थैंक्स अ लॉट। और यार गजब V इक्वल्स टू आई है। बिल्कुल मैम सही बात है। सही बात है क्या? ये V इक्वल्स टू आई पहले भी आया था। एलिमिनेशन लगाया भाई सीख लो यार। बहुत सही लगाया एलिमिनेशन। एक बार रुक जाओ और करेक्ट कर ले। हाँ ठीक है 13 आएगा। अरे बिल्कुल छा गया प्रतीक सर छा गया। थैंक्स अ लॉट चलिए यस मैम। सर ए है। हाँ ए है। बहुत बढ़िया यार। मैडम क्या हो गया? मैं ये कह रही हूँ कि प्रतीक सर पहले भी वही क्वेश्चन और अब भी वही क्वेश्चन। पहले भी सर ने सबसे पहला क्वेश्चन यही डाला था V इक्वल्स टू IR वाला। अरे तो सीरीज से वो डिफरेंट था। सुनो तो यहाँ पर मेरा 3 आया। मैंने कहा 3 ढूंढा मैंने कहा दिख ही नहीं रही है। ये खेल दिया। फिर मैंने कहा कंफर्म कर लो हो सकता है गलती है। दूसरे में चेक किया मैंने कहा 13 ही आ रहा है। ये पेन सही करा भाई सही करा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है इनका? ऑप्शन ए आ रहा है। गजब भाई गजब। ये रहा। हाँ ठीक है ये तो सिंपल था। ये लीच क्या होती है यार? पता नहीं है क्या सर। पहली बात तो वो लीच नहीं है। अच्छा क्या है? लाइकन है। और सर हेमंत सर हो गई खालिस्तानी। इधर आ जाइए सर। भाई एक बात बता दूं मैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइकन इज। पहली बात तो ये छोड़ो इसको। मैम ये होता क्या है लाइकन? भाई अभी एक बात बताओ ऑल ऑफ द दीस अपना अच्छा सही आया था अभी आंसर क्या नहीं आया था? भगवान की दुआ से फिर से जय माता दी। मेरे तुक्के ना कल गलत हुए। ये अलग फिर मस्ती में ये ऑप्शन ही है। ठीक है ये ऑप्शन है। बात वो बोलना ही नहीं चाहता। देखे क्या? चलो हो गया मैम। फोन मिलेगा हमारा? बिल्कुल ले लीजिए सर। ये आ गया A फॉर ये क्या होता है? A फॉर एप्पल। चले लप्पू सा क्वेश्चन था। लूसीफर लप्पू सा क्वेश्चन था। लूसीफर मैम आ जाइए। अरे हाँ इधर ही है मैडम इधर ही है। सही है ना? सही है। चलिए बेटा प्रतीक से छा गए। अरे छा ही गए भाई। चले डी ऑल ऑफ दीस। ठीक है आगे हमारा पहले आ गया था। बहुत सोच विचार के आया हमारा आंसर भाई। कोई ये ना सोच ले कि कैसे आ गया। बहुत सोचा मैंने। गजब हेमंत सर गजब। अरे मारना ही पड़ेगा भाई। आंसर नहीं देते अपन फटाक से। अच्छा ओके होता ही हमारे आंसर सही आते हैं एकदम हमेशा। चले फिर हमारे कौन से गलत है? क्या एक गलत हुआ था मैम आपका। 90% ब्रेन वाले बस वहीं पे थोड़ी गलतियां हुई है लोगों से है। ठीक है लेकिन वो फिर भी सही था। D for डाकू भाई। कुछ और नाम दे दो यार। वो आएंगे भाई ये ऑप्शंस हमारे चलते रहते हैं। दो के पास भी आएगा अभी देखो। दो के पास मैम बायोलॉजी क्वेश्चन इजी थे। हाँ भाई मैंने इजी ही रखे थे। आज मैंने सोचा उस दिन जो हुआ वो दोबारा ना हो। सर आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई अपनी आईडी से दे दिया था। अरे हाँ मैं अपनी आईडी से ही रिप्लाई दे देता हूँ। हाँ भाई D for डाकू हेमंत सर सही बात है ना। मैंने यहाँ डाकू करी है। मैंने वही बोला था D for मैथ्स वाले सर। अगली बार मैथ्स वाले सर को भी ले आएंगे सर। PCM भी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत याद कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है उनका क्या हाल होगा? बायो मैम ने आज फास्टिंग की है क्या? हाँ यार बायो का क्या होगा? वो तो एनर्जी डल लग रही है ना। बस समझ जाओ अब आप लोग। अभी तो आप बाहर खा रहे थे क्यों सर? अफवाहें फैला रहे हो। बच्चे देख के बता रहे हैं कि मैम फास्टिंग है क्या? कुरकुरे खा रहे थे। बच्चे देख के बता रहे हैं कि मैम फास्टिंग है। चलिए भाई कैसा लगा? चलिए जल्दी बताओ। चलो भाई जल्दी एक बार मिलते हैं लाइव सेशंस में। ठीक है याद रखना कल से 5 बजे। हाँ मैम टाइमिंग प्लीज बता दीजिए अपनी। टाइमिंग क्या आपकी? हाँ टाइमिंग बता दीजिए। 5 बजे से लाइव सेशंस। ओके 11th क्लास MWF 12th क्लास ETS। अभी केमिस्ट्री के और फिजिक्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिल रहे हैं और अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलेंगे लेकिन बहुत जल्द उसके लाइव भी चालू हो जाएंगे। रिकॉर्डेड का टाइम आपको पता ही होगा। वैसे एक बार और बता देते हैं रिकॉर्डेड का टाइम थोड़ा सा। हाँ सर ये चलो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 11th क्लास का जो रिकॉर्डेड लेक्चर आता है वो आता है 7:30 और 12th क्लास का जो आता है आपका वो आता है 2:30। ठीक है और उसके बाद जो अपन फिजिक्स की बात करते हैं सर 11th फिजिक्स में अपना 11th का आता है 4 बजे आता है और 12th का आता है 10:30 रात को 10:30। आराम से बढ़िया आराम से खा पी के बैठो और उसके बाद करो। सारे सपनों में यही आएगी फिजिक्स से फिजिक्स। ठीक है, बताइए बायो के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी तक आपको मिल रहे थे इवनिंग में 5:30 and 6 लेकिन अब नहीं, वही बता रही हूँ सर, क्योंकि अब लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे 5 to 6, तो इसलिए रिकॉर्डेड का टाइम अपन नून पे शिफ्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। आप कम्युनिटी पोस्ट को एक बार चेक करते रहिएगा। तो आई थिंक मजा आया होगा आपको। बिल्कुल कह रहे सब। अच्छा लगा मैम एंड सर, थैंक यू सो मच। बस हम लोग कोई बात मेलोडी जी हो जाएगा इस वीक में, अपन लाइव स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए पक्का। और तुम्हारी तो मेलोडी बाकी आधी देनी है तुम्हें। मेलोडी पता कहती है सर आपको आधी मेलोडी मिलेगी, मतलब देख रहा मेलोडी मतलब 1 रुपए की चॉकलेट में भी ऐसे। आशुतोष सर तो अलग ही दिमाग लगाते हैं ऐसा बोल रहे हैं। हाँ वो मैंने कहा था ना अलग ही दिमाग लगाएंगे वो तो। चलिए ठीक है, ठीक है चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।